हाँ जी, गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो बच्चों? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। फिर से वही क्लास, फिर से वही डिपार्टमेंट। क्वेश्चन शुरू होगी बेटे आज अपने नए वाले मेथड के। सारे बच्चे आ गए, जल्दी से अटेंडेंस लगाओ फिर हम लोग आगे बढ़े। हेलो लक्ष्मी नगर, धनबाद, पटना, वाराणसी। हाँ जी बेटे शुरू करें। आर यू रेडी? जल्दी से सेस पे लिख के जोश दिखाओ कि हाँ भाई सारे बच्चे जोश में है। आज डिपार्टमेंट को निपटाना है, या तो आज डिपार्टमेंट नहीं या आज हम नहीं। डिपार्टमेंट का जो बचा हुआ था वाला पोर्शन हमने कल बेटे लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा, आज बचे हुए क्वेश्चन निपटाने हैं जी। हाँ जी बेटे जल्दी से लिखो सेस पे। आर यू रेडी? रेडी ना? सारे बच्चे सो रहे हैं, कोई बच्चा सेस पे रेडी लिखने को तैयार नहीं है। लगता है डिपार्टमेंट का सदमा लगा है बच्चों को। सबसे आसान चैप्टर है ये। आओ जरा शुरू करें अब। धनबाद ने बोल दिया रेडी है। लक्ष्मी नगर, वाराणसी, पटना, आर यू रेडी? क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग करने वाले हैं। फाइनल अकाउंट मेथड तो हम लोग कर चुके हैं बेटे, आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है अपना मार्कअप मेथड। चलिए जी, वाराणसी भी रेडी है। और वो दोनों शैतान आए हैं कि नहीं? वो जो कल नहीं आए थे ना, वो आज पक्का दिक्कत करने वाले हैं। जो कल यूनिवर्सिटी गए थे घूमने के लिए, वो आज दिक्कत करने वाले हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम कल कर चुके थे और प्रैक्टिस आज करने लग रहे हैं। हाँ जी, अच्छा अभी तक नहीं आए हैं फिर अच्छा है, तो वो बच्चे ना बैकअप पे कहीं क्लास देखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा वो प्रैक्टिस क्या करेगा। अच्छा सर कल आ गए थे, अच्छा वो लेट आए होंगे। चलिए जी, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो बेटे। क्वेश्चन नंबर 14, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ेंगे जी, और एकदम तसल्ली से। दो क्वेश्चन है हमें जी, 4 घंटे में 2 क्वेश्चन निपटाने हैं जी। चलिए जी, वैसे तो मैं सोच रहा था कि होमवर्क में दूं, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं क्लास में। एक साउथर्न स्टोर लिमिटेड है, एक कंपनी है, इसका एक रिटेल स्टोर डिपार्टमेंट है। इसके 2 डिपार्टमेंट है रिटेल स्टोर के, ऑपरेटिंग 2 डिपार्टमेंट्स। ध्यान रखना बेटे, बहुत तसल्ली से करना है इसको। ये 2 डिपार्टमेंट है जी। अच्छा 2 डिपार्टमेंट है, एक है डिपार्टमेंट वाई और दूसरा है डिपार्टमेंट जेड। ये 2 डिपार्टमेंट है जी। अब 2 डिपार्टमेंट की बात सुनो। जो डिपार्टमेंट वाई है उसके यहाँ पर माल पे जोड़ा जाता है 1/3 ऑफ कोस्ट, 33.33% ऑफ कोस्ट, 1/3 ऑफ कोस्ट जोड़ता है जी। और जो है डिपार्टमेंट जेड, वहां पे जी 50% ऑफ कोस्ट, यानी कि 1/2, 1/2। लो जी, 2 गेट हैं। जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था कि मॉल के 2 डिपार्टमेंट हैं, एक गेट है जहां पर एंट्री करते हैं नोक नोक, तो वो कहते हैं 33.33% जोड़कर अंदर आना वरना दरवाजा नहीं खुलेगा। दूसरा डिपार्टमेंट कहता है जब हम करते हैं नोक नोक, माल वहां पे अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो वो कहते हैं 50% जोड़ करके तब आना वरना गेट नहीं खुलने वाला। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1988 डिपार्टमेंट वाई के यहाँ पे क्या हुआ, डिपार्टमेंट जेड के यहाँ पे क्या हुआ? क्या कह रहे हैं जी? ओपनिंग स्टॉक है जी जनवरी 1 का एट कोस्ट। अच्छा, बिना मार्कअप जोड़े बता रखी है सारी बातें। परचेज तो होता ही कोस्ट पे। कह रहे डिपार्टमेंट वाई का ओपनिंग स्टॉक इतने का था, डिपार्टमेंट वाई की परचेज इतने रुपए की थी, और डिपार्टमेंट वाई के लिए जो माल खरीदा था उसकी परचेज कोस्ट तो ये थी, और डिपार्टमेंट वाई ने जो माल बेचा था वो 2,10,000 का बेचा था। लो भाई, यही कहानी डिपार्टमेंट जेड की बता रखी है। क्या कहता है जी, जो डिपार्टमेंट वाई का जो स्टॉक है जनवरी 1988 का, यानी 24,000 की बात बता रहे हैं जी। किसकी बात बता रहे हैं बेटे? 24,000 की। कह रहे इसमें ऐसा एक माल शामिल है इंक्लूड्स गुड्स जिस पे क्या हुआ, ऑन विच सेलिंग प्राइस मार्क डाउन कर रखा है, जिसका इनवॉइस प्राइस जो है ना कम कर रखा है जी। यानी पहले तो देखो कितने रुपए का होना चाहिए था भाई, 24,000 पर अगर हम 1/3 जोड़ें तो 1/3 जोड़ने पे कितना जोड़ेंगे जी, 24,000 का 1/3 1/4 8,000 रुपए। तो कायदे से इसका इनवॉइस प्राइस होना चाहिए था 24,000 प्लस 8,000 यानी बेटे 32,000 होना चाहिए था, सीधी सी बात है। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इसका जो मार्कअप था ना वो थोड़ा सा वापस ले लिया, कह रहे हैं रेट गिर गए होंगे मार्केट में, तो कह रहे 510 रुपए वापस घटा लिए, जो 8,000 रुपए जोड़ रखे थे 8,000 में से 510 वापस ले लिया, मार्क डाउन कर लिया। यानी इसका मतलब क्या है कि ये कितने रुपए जुड़े हुए होंगे, फिर पता है कितने रुपए जुड़े होंगे, 24,000 प्लस घटाओ बेटे 8,000 में से कितना 510, 8,000 में से घटाए 510 यानी कितने रुपए जोड़ रखे हैं, 7,490 जोड़ रखे हैं। ओहो, तो ये बात है। यानी बच्चों 31,490 रुपए, 31,490 रुपए इसने जोड़ दिया जी। लो जी, इतने रुपए का स्टॉक दिखा रखा है जी डिपार्टमेंट स्टॉक के अंदर। तो अगर मैं बात करूं इसके अंदर स्टॉक रिजर्व की तो वो बैठेगी 7,490 की। चलिए जी, कहते हैं ये वाले जो गुड्स है ना इनको बेच दिया गया, चलो शुक्र है भगवान का कि इनको बेच दिया गया। सर अगर ऐसा ना होता, कैसा ना होता, भगवान की कृपा ना होती, मतलब कि अगर ये माल नहीं बिका होता तो मैंने कहा फिर एक दिक्कत हो जाती, क्या कि फिर ये माल हमें ईयर एंड पे मिलता और फिर हमें इसकी स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन फिर से हमें अलग करनी पड़ती, वो क्या होती, वो 7,490 हटाना पड़ता और हो सकता है 50% बिकता। तो इसकी स्टॉक रिजर्व भी तो थोड़ा स्पेशल रहेगी, इसकी स्टॉक रिजर्व जनरल तरीके से नहीं रहेगी क्योंकि इस माल की जो मार्कअप की अमाउंट है वो कुछ और रही है नॉर्मल के अपेक्षा। ओके चलिए ठीक है, बिक गया तो बात खत्म। क्या कहते हैं, कुछ गुड्स ऐसे थे जिनको 1988 में परचेज किया गया था। ये कौन सा ईयर चल रहा है जी इस क्वेश्चन में, 1988 तो चल रहा है। अच्छा, करंट ईयर में गुड्स खरीदा 2,700 रुपए की कोस्ट वाले डिपार्टमेंट वाई के लिए। चलो जी, 2,700 रुपए की कोस्ट का माल ऐसा था जो 1988 में खरीदा गया था, गेट नंबर 1 डिपार्टमेंट नंबर 1 डिपार्टमेंट वाई के लिए खरीदा जी। और क्या कहते हैं जी, कह रहे हैं उसको ट्रांसफर कर दिया गया, ट्रांसफर्ड बेटे आईडीटी वाली बात बता रहे हैं, ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट जेड। ओहो, जब दरवाजा खुला था वाई डिपार्टमेंट का तो उन्होंने कहा था अंदर आने के लिए तभी परमिशन होगी जब 2,700 पर जोड़ कर आओगे। कितना, जो इस दरवाजे में एंट्री करता है वो 1/3 जोड़ करके अंदर आता है, जब वापस जाएगा तो 1/3 ही तो जोड़ के जाएगा, यानी 2,700 पर 1/3 बेटे 3 नम 27, 900 रुपए जोड़ करके आया होगा, 3,600 रुपए का माल आया होगा। तो वापस भेजेंगे तो 3,600 तो हटाएंगे ना डिपार्टमेंट स्टॉक से। ओके, और जब वो माल दूसरे दरवाजे में घुसेगा, कौन सा, डिपार्टमेंट जेड, वहां पर नोक नोक करने पर कब एंट्री मिलती है, नोक नोक, हमें अंदर आना है, वो कह रहे आने दो, लेकिन ध्यान रखना डिपार्टमेंट जेड में जब आओगे तो अपनी को 2,700 पर यहां पर जोड़ कर आना है आपको 50%, 2,700 का आधा, ठीक है। तो 2,700 का आधा मतलब 1,350 रुपए जोड़ करके आने हैं, तो कितने बन जाएंगे, 2,700 प्लस 1,350, ये बन जाएंगे जी 4,050। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन ने क्या कहा, परचेज और सेल, अच्छा इनको बेच भी दिया था 4,050 के लिए, ठीक है। परचेज और सेल जो रिकॉर्ड है, कह रहे इस वाले माल की जो परचेज की गई थी वो वाई डिपार्टमेंट के लिए परचेज की गई थी, वहां पे रिकॉर्ड कर ली थी। सेल डिपार्टमेंट जेड में थी तो और वहां पर भी वो रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन नहीं की थी, बस एक एंट्री नहीं की थी, नो एंट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर हैव बीन मेड। सर क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन का ये वाला पॉइंट, सुनिए बेटे ध्यान से, 3 बातें हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये वाला माल जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गया, वाई डिपार्टमेंट से जेड डिपार्टमेंट में गया, तो इस वाले माल की तीन हिस्से थी। सबसे पहले माल खरीदा, हाँ खरीदा, तो क्या इसकी खरीदने की एंट्री नहीं हुई, क्या हो चुकी है? यही क्वेश्चन कह रहा है कि जब वाई डिपार्टमेंट के लिए खरीदा था तो वाई डिपार्टमेंट की जो परचेज है उसमें ये काउंटिंग हो चुकी थी। कहीं ऐसा ना कोई बच्चा सोचे कि सर ट्रांसफर के लिए पहले इसकी एंट्री तो करो कि माल वाई डिपार्टमेंट में आ गया, तो क्वेश्चन ने बता दिया कि भाई ये परचेज में पहले रिकॉर्ड हो चुका था डिपार्टमेंट वाई की। कभी इस बात को सोचो फिर कि सर ये तो जब माल ट्रांसफर हुआ होगा, ट्रांसफर की एंट्री नहीं हुई तो सेल की एंट्री कहां से हुई होगी, तो कोई बच्चा ऐसा ना सोचे। इसीलिए क्वेश्चन ने यहाँ पे बोल दिया कि जो डिपार्टमेंट जेड में जो सेल पड़ी है वहां पर ये रिकॉर्ड हो चुका है, उसकी सेल में इसकी सेल शामिल है। कभी तुम आईडीटी करने के बाद में फिर सेल करने लगो। अच्छा, लेकिन भूल गए थे कौन सी, आईडीटी वाली एंट्री। कह रहे आईडीटी वाली एंट्री है बस जो नहीं हुई है, अब तुम उसको कर दो। बस थर्ड पॉइंट पे आता हूं जी, गुड्स जो परचेज किया था 1988 में उसको कम कर दिया गया। कोस्ट कितनी थी, 8000 का माल ऐसा था बेटे, 8000 की कोस्ट का माल ऐसा था जिसका मार्कअप वापस लिया गया, वापस लिया गया, वापस लिया गया, वापस लिया गया 800 रुपये। पहले मार्कअप तो करो उस पर कितना हुआ होगा। जो माल, पहली बात क्वेश्चन ने क्या कहा, जो माल खरीदा था 1988 में डिपार्टमेंट वाई के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये 8000 की कोस्ट इस 1,62,000 की कोस्ट के अंदर शामिल है? आंसर इज यस, बिल्कुल। इसी के एक पार्ट की बात यहां बता रहे हैं, कहते हैं इसका जो ना हमने मार्कअप किया होगा, जब 1,62 में मार्कअप किया होगा तो 1/3 कर लिया होगा, हाँ उसमें इसका भी मार्कअप हो गया होगा, ठीक है। कह रहे हैं उसका 800 रुपये वापस ले रहे हैं, ओके कर देंगे हम रिवर्स एंट्री मार्कअप वाली। ऐसी बात डिपार्टमेंट जेड के लिए है। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जब ईयर का एंड आया तो इनमें से कुछ स्टॉक डिपार्टमेंट जेड वाला, वाई वाला नहीं जेड वाला, क्योंकि वाई वाला तो जा चुका था, तो जेड वाला कुछ स्टॉक रह गया। कौन से वाला, ये वाला माल जिसकी कोस्ट थी 21,000 और उस पर 50% मार्कअप किया गया होगा, उसका 4,100 वापस ले लिया गया और उसको 2300 तक मार्क डाउन किया था विद दिस एक्सेप्शन। बाकी सब जो है ना बिक गया, ऑल कह रहे इसके अलावा बाकी का माल बिक गया था। यानी 21,000 की कोस्ट पर अगर मैं नॉर्मल मार्कअप लगाऊं तो 50% मार्कअप होता है 10,500 रुपये, है ना, 21,000 डिवाइडेड बाई 2, यस 10,500 रुपये, और उसका 4,100 वापस ले लिया गया। ये सारा माल कहाँ है? कह रहे सारा माल नहीं, बस थोड़ा सा माल यहाँ रह गया, बाकी सारा बिक गया। यानी 2300 रुपये का माल यहाँ पे रह गया। ओके करेंगे इसका हिसाब किताब भी, अभी डाउट आएगा आने दो, इस पॉइंट को करेंगे तभी ये सोल्व होगा, ठीक है। लेकिन बस आइडिया लो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। हमें सिर्फ अभी पढ़ते हुए एक चीज पे ध्यान देना है, क्या हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है। बस सॉल्यूशन तो बेटे चुटकियों का काम है, क्वेश्चन समझने पे ध्यान दो, सबसे ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन का दिमाग में टकराना और सही पॉइंट स्ट्राइक होना। अब ये ना हो जाए कि इस पे सिर मारने लगो, ले भाई क्वेश्चन चल हम तेरे से टक्कर मारते हैं। सिर में बेटे दर्द होना चाहिए इस जगह पर, यार यहाँ पे कुछ एनालिसिस है, वही तो करना है। हाँ जी, ड्यूरिंग स्टॉक टेकिंग, कहते हैं जब हमने स्टॉक को टेकिंग शुरू की, जैसे हमने सीए फाउंडेशन में पढ़ा था क्या, इन्वेंटरी वैल्यूएशन चैप्टर, वहां पता चला था स्टॉक को की काउंटिंग कहलाती है स्टॉक टेकिंग, फिजिकल स्टॉक टेकिंग। जब स्टॉक को काउंटिंग करना शुरू किया तो ईयर एंड पर पता चला कि एक गुड्स ऐसा था जिसकी कॉस्ट 240 रुपये थी, वो फाउंड टू बी मिसिंग, वो गायब है। मतलब मैं कह सकता हूं क्या बेटे गायब होना नॉर्मल बात है? नहीं, इसका मतलब ये एबनॉर्मल बात है। यानी मैं कह सकता हूं ये एबनॉर्मल लॉस है, ये जो लॉस है फाउंड टू बी मिसिंग मतलब बेटे एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। इट वाज डिटरमाइन कि भाई ये लॉस जो है ना ये रिगार्डेड एज इररिकवरेबल, ये रिकवर नहीं होगा जी, ये रिकवर नहीं होने वाला जी, यानी कोई इसका इंश्योरेंस नहीं है जी। चलो जी लास्ट में देखो, क्लोजिंग स्टॉक जो है दोनों डिपार्टमेंट के, कहते हैं वो टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एनुअल अकाउंट। कहते हैं जब फाइनल अकाउंट बनाओगे, अगर आप फाइनल अकाउंट मेथड से करोगे तो आप इसको कॉस्ट पे वैल्यूएट करना, फाइनल अकाउंट मेथड से करेंगे तब ना। अभी तो हम किस पे बात करेंगे, सीधी सी बात है, मार्कअप पे बात करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर ईच डिपार्टमेंट, ये दोनों अकाउंट, बेटे देखो तीनों अकाउंट पूछी उसने, यानी यही क्वेश्चन अगर आप फाइनल अकाउंट मेथड से करें तो कैसे होगा, इसका सोल्यूशन मैंने आपको दे रखा है जी, ठीक है। हालांकि सोल्यूशन मैंने आपको मार्कअप वाले का भी दे रखा है, बट बेटे मार्कअप वाले का सोल्यूशन मत देखना, उस सोल्यूशन में कई बार हम सोल्यूशन के पीछे भागते हैं ना, तो अपना दिमाग नहीं चलते, और नहीं चलाएंगे तो बेटे फिर वहां पर काम नहीं कर पाएंगे। ये सोल्यूशन भी बड़ा अजीब सा दिया होता है, ठीक है। आओ जी शुरू करें। तो सबसे पहली बात हमें यहाँ पे क्वेश्चन जो करना है वो कौन से मेथड से करना है, हमें करना है मार्कअप मेथड से। तो मार्कअप मेथड से करने का अपना फॉर्मेट क्या है वो खींच लो जी, सबसे पहली बात। चलो जी खींचते हैं जी। सोल्यूशन मैं लेफ्ट वाले पेज पर बना रहा हूं आपका मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट, सॉरी मेमोरेंडम नहीं, डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। हाँ जी, सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं यहां पर, सर स्केल दे दीजिए प्लीज, हम बना रहे हैं जी यहां पर मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, बल्कि डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या नाम है इसका, ये दो हैं जी, तो हम दो कॉलम बनाएंगे जी, डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट जेड, डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट जेड, डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट। कितने डिपार्टमेंट्स थे, दो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट जेड, डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट जेड। दूसरा ये किस पे होगा बेटे, ये होगा हमेशा हमारा इनवॉइस प्राइस मेथड पे, डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट जेड। दूसरे वाला इधर जो अकाउंट है वो है जी मार्कअप अकाउंट, दोनों डिपार्टमेंट का। मार्कअप अकाउंट, काश इंस्टीट्यूट इसका नाम डिपार्टमेंट एडजस्टमेंट कर दे तो बड़ा अच्छा लगेगा, बच्चों को जल्दी समझ में आएगा। ये लोडिंग वाला है, डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट जेड, डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट जेड। लिख लो बेटे, किसी का मन करे यहाँ पे तो लिख लो पार्टिकुलर्स, उससे ना मन को शांति मिलती है, वरना ऐसा लगता है कि यहाँ प्लॉट खाली पड़ा है और कोई किसी ने कुछ बनाया ही नहीं। लिख लो बेटे पार्टिकुलर्स, चलिए जी एक एक पॉइंट पढ़ते हैं और करते हैं जी, एक एक पॉइंट पढ़ते हैं और करते हैं। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है ये, जरा देखो। सबसे पहला पॉइंट, डिपार्टमेंट वाई का जो स्टॉक है वो है जी 24,000 यानी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 2 बैलेंस बीडी, कोस्ट और मार्कअप, मैं MUP लिख रहा हूं बेटे, मार्कअप है, कोस्ट और मार्कअप। सर मुझे हटा दीजिए स्क्रीन से, कोस्ट और मार्कअप। बेटे वाई डिपार्टमेंट के लिए जो स्टॉक है ओपनिंग वाला वो कितने की कोस्ट का है, 24,000 की कोस्ट का है जी। सर मुझे हटा दीजिए स्क्रीन से। बेटे कोस्ट के अंदर मार्कअप कितना है बच्चों, डिपार्टमेंट वाई का स्टॉक है ना, तो डिपार्टमेंट वाई के लिए मार्कअप कितना है 1/3, 1/3 मतलब 8,000। किसी बच्चे को इस 8,000 में कोई दिक्कत, भाई 32,000 रुपए के इनवॉइस प्राइस का स्टॉक था डिपार्टमेंट वाई का, और जितने रुपए इसके अंदर प्रॉफिट के नाम के जोड़ रखे हैं, जितने रुपए इसके अंदर बेटे प्रॉफिट के नाम के जोड़ रखे हैं ना, वही तो स्टॉक रिजर्व है ओपनिंग वाली। लेकिन कौन से डिपार्टमेंट के लिए? डिपार्टमेंट वाई के लिए। बेटे जब काम खाली डिपार्टमेंट वाई का करो तो फिर डिपार्टमेंट वाई का करना, उलझ मत जाना। तो अगर मैं देखूं मार्कअप अकाउंट में ओपनिंग में कोई स्टॉक रिजर्व अगर आएगी, बाई स्टॉक रिजर्व ब्रोड डाउन ओपनिंग वाली, तो डिपार्टमेंट वाई में कितने रुपए लिखूंगा मैं? 8,000 रुपए, जो उसके अंदर जुड़े हुए हैं लेकिन अभी नहीं कमाए गए, अनरियलाइज प्रॉफिट इन द ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट, अब डिपार्टमेंट वाई के लिए जो माल खरीदा है, मैं पहले डिपार्टमेंट वाई की बात पूरी करूंगा। डिपार्टमेंट वाई के लिए जो माल खरीदा है वो डिपार्टमेंट वाई के यहाँ पर सीधा सीधा रिक्शा वाले से बोला, भैया रिक्शा वाला जो हम माल लेकर के आए हैं वो लाओ और इस वाली जगह पर डाल दो, यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर उतारो। वो कहेगा कि ये कौन सी जगह है? कि देखो भाई ये हमारा 2 रूम है, एक रूम है जिसका नाम रख रखा है हमने डिपार्टमेंट वाई। रिक्शा वाले जी आप यहाँ पर अनलोड कर दीजिए माल। उसने कहा ठीक है। तो बेटे परचेज जो की गई थी वो कौन से डिपार्टमेंट के लिए परचेज की गई थी? डिपार्टमेंट वाई के लिए। उसकी कोस्ट है जी, कोस्ट है 1,62,000 रुपए की कोस्ट है, और उसके अंदर बेटे मार्कअप फिर ऐड हुआ ना। जैसे ही रिक्शा से माल उतरा तुरंत बिजनेस का मालिक बैठ गया इस वाले कमरे के मैनेजर के पास आके, देख भाई मैनेजर ये 1,62,000 की कोस्ट का माल है, इस पर मैं ये सोच करके बैठ रहा हूं। क्या सोच करके बैठ रहा हूं? कि तू इस पर मेरे को कमवाएगा जिसकी मैं तेरे को तनख्वाह देता हूं। क्या? कि 1,62,000 का 1/3 मेरे को कमाई तू ही करवाने वाला है। 1,62,000 डिवाइड 1,62,000 डिवाइड बाई 3, 1/3, 33%। तो बेटे इसने तुरंत सोच लिया, तुरंत इसने सोच लिया कि 54,000 कमाई कराएगा। यानी ब्रांच मैनेजर तू ये मान के चल कि ये माल 2,16,000 रुपए का है, इनवॉइस प्राइस, बाहर ना निकल जाए, 2,16,000 रुपए का है। और तुरंत उसने अपने लोडिंग वाले खाते में गया और एंट्री कर डाली। तुरंत बेटे उसने क्या किया? उसने तुरंत अपने लोडिंग वाले खाते में गया और क्या किया बेटे? एंट्री कर डाली। गया जी गया, मार्कअप में दौड़ा गया बिजनेस का मालिक, और यहाँ पर एक नई सोच डेवलप कर दी कि करंट ईयर के दौरान जो मैंने डिपार्टमेंट को स्टॉक दिया, डिपार्टमेंट वाई को, उसके अंदर मैंने इतने रुपए की सोच और बढ़ा ली, 54,000 की। बेटे बिल्कुल वैसे जैसे ब्रांच को जो करंट ईयर में माल भेजते थे ना, उस पर फिर नए वाली लोडिंग, करंट ईयर वाली लोडिंग 54,000 रुपए, बिल्कुल वैसे यहाँ डिपार्टमेंट के लिए। काश इंस्टीट्यूट सुन ले इंस्टीट्यूट, इसका नाम कर दे डिपार्टमेंट एडजस्टमेंट, बच्चों को मजा आ जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो भाई डिपार्टमेंट वाई ने क्या किया? डिपार्टमेंट वाई ने सेल कर दिया जी, 2,10,000 रुपए का माल सेल कर दिया जी। चलो जी अब सेल कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। लो जी 2,10,000 रुपए में माल सेल कर दिया। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटे? यहाँ पर हम लिखेंगे सेल। सर क्यों नहीं लिखा हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट डेटर, जैसे ब्रांच में लिखते थे ब्रांच डेटर, क्यों नहीं लिखा हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट कैश, जैसे हम ब्रांच कैश लिखते थे? क्योंकि बेटे बिजनेस का मालिक सामने खड़ा है, वो काउंटर पे बैठा रहता है। मॉल का जो काउंटर होता है ना, आप देखोगे कपड़े के शोरूम में जाओ, एक तरफ ऊनी क्लोथ, एक तरफ वुलन जो दूसरे होते समर वाले क्लोथ, तो काउंटर पे मालिक बैठा होता है। जब गेट से बाहर निकल रहे होते हैं तो चेकिंग चल रही होती है ना, चेकिंग चल रही होती है जैसे इजी डे में होती है। इजी डे में भी तो यही होता है, खाने पीने का सामान ऊपर वाले फ्लोर पर है ना, कपड़े वगैरह का सामान इधर है। तो जब बाहर गेट से निकल रहे होते हैं तो उस टाइम पर एक मशीन होती है जो उसका एक नाप ले रही होती है कि भाई ये कितने के प्राइस वाला प्रोडक्ट है जो बाहर जाने लग रहा है, और इसका पैसा आ गया कि नहीं आ गया। मालिक वहीं बैठा होता है, वो देख रहा होता है, हाँ भाई पैसे लो, इधर डालो मेरे गले में, मैं हूँ इस बिजनेस का मालिक। कौन से डिपार्टमेंट का माल खरीदा? इस वाले का, वो वाला काम। तो वहां पे कोई डिपार्टमेंट कैश की जरूरत ही नहीं होती, मालिक खुद सामने बैठा होता है, इसीलिए यहाँ पर सीधा सीधा सेल लिखते हैं जी। चलिए जी कितने रुपए की सेल की? 2,10,000 रुपए की सेल। इजी डे वगैरह की अकाउंटिंग बेटे ऐसे ही होगी, जो जितने भी आपके विशाल मेगा मॉल ये इधर उधर के जो दुनिया भर के मॉल खुले हुए हैं ना, वो सब ऐसी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। आप चार्टर्ड लोग ऐसे करोगे उनकी अकाउंटिंग अगर करोगे तो। सर अब हम दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें, आओ बेटे दूसरे डिपार्टमेंट की तुम मुझे बात बताओगे तब मैं लिख पाऊंगा, वरना मैं नहीं लिख पाऊंगा। देखिए कौन सा सेंटर मुझे सबसे पहले बताएगा। क्या बताना है सर? कि जो डिपार्टमेंट जेड है उसके ओपनिंग स्टॉक की कोस्ट तो मैंने आपको बता दी, कोस्ट तो मैंने आपको बता दी, इसमें लोडिंग कितनी ऐड करूं और कितने रुपए का इनवॉइस प्राइस ये बन जाएगा जी। भूल गया जी, भूल गया, मैं तो भूल गया, बच्चे मुझे बताने वाले हैं। देखते हैं कौन है आज का सुपरस्टार सेंटर। बेटे इसमें कोस्ट थी 36,000, मैं तो भूल गया, इस पे लोडिंग 50% है। वेरी गुड पटना, वेरी गुड धनबाद, अरे वाह 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 वाह, मजा आ गया, वेरी गुड। ये हुई ना बात वाराणसी, भाई इस पे 58,000 रुपए की लोडिंग होगी 50% के हिसाब से, और 54,000 का माल, 54,000 रुपए का माल यहाँ पर, 54,000 रुपए का माल यहाँ पर इनवॉइस प्राइस पे माना गया। अगर मैं इसकी स्टॉक रिजर्व देखूं तो इस स्टॉक के अंदर ये वाला अमाउंट है जो अभी रियलाइज नहीं हुआ, कमाया नहीं हुआ, यही है हमारा डिपार्टमेंट जेड का ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 18,000। मैं भी कोशिश करूंगा ब्रेक में या थोड़ा सा इधर उधर कहीं आपको एक वीडियो दिखवाने की मॉल वगैरह की, तो आपको और जल्दी क्लियर होगा। जैसे माल बाहर जाता है तो आप देखोगे काउंटर का मालिक वहीं बैठा रहता है। चलिए जी, काउंटर पर ही वहां पर मालिक बैठा रहता है और तुरंत के तुरंत सारा का सारा कैप्चर कर रहा होता है अमाउंट। चलो जी, अब अगली वाली बात भी बता दो। जब आपने बात बता दी, ये है 1,90,000 की कोस्ट, इस पर लोडिंग कितने रुपए है और कितने का बन जाएगा इसका इनवॉइस प्राइस? बोलो बेटे, मेरे को भूल गया, मैं तो फिर भूल गया, कितने रुपए आएगी लोडिंग? देखे कौन सा है सुपरस्टार, वेरी गुड, दोनों बार पटना सुपरस्टार सेंटर, शाबाश पटना, 95,000 और इनवॉइस प्राइस बन गया जी 2,85,000, शाबाश वाराणसी, वेरी गुड धनबाद, 2,85,000 रुपए। यानी इसके अंदर सोच थी, कितने रुपए की सोच बढ़ा ली जी? मार्कअप अकाउंट मतलब लोडिंग वाला अकाउंट 95,000, 95,000 रुपए की, इतने रुपए की एक्सपेक्टेशन और बढ़ा ली। बेटे ये एक्सपेक्टेशन वाला अकाउंट है, देखो ये भी वो एक अच्छा नाम है इसका, एक्सपेक्टेशन वाले अकाउंट। चलो जी, सेल हुई जी, कितने रुपए की सेल हुई जी? 2,85,000। लो भाई, ये जो दूसरा डिपार्टमेंट है इसने सेल कर दी 2,85,000 रुपए की सेल इसने कर डाली, 2,85,000 रुपए की सेल इसने कर डाली। चलो जी, पहला पैराग्राफ तो हमारा हो गया खत्म, जहां पर क्वेश्चन ने कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी थी। अब बात शुरू करते हैं पहले वाले पॉइंट से। अभी तक कहां तक की अकाउंटिंग हमने कर ली डिपार्टमेंट्स की? अभी तक की हमने जो बात कर ली है वो यहां तक की बात हमने कर ली है बेटे। अब हम कौन सी वाली बात करने जा रहे हैं? पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात की अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला जो स्टॉक है डिपार्टमेंट वाई का ओपनिंग वाला, उसमें एक ऐसा माल शामिल है जिसका मार्क डाउन कर रखा था हमने 510 रुपए, हालांकि इसको बेच दिया गया। ओके, यानी ओपनिंग वाले का अगर मैं वाई वाले की बात करूं तो वाई वाले के जहां 8,000 बढ़े हुए हैं, ये इतने ही वापस ले लिए गए। बाई कहां पर? बाई मार्कअप अकाउंट। ओ तो ऐसे वापस लेना है इन 510 को। यस, एक्सपेक्टेशन वापस ले ली। माल है 24,000 का, उस पर एक्सपेक्टेशन है 8,000 की, हमने 510 रुपए की एक्सपेक्टेशन वापस ले ली। मार्क डाउन, मार्क डाउन, सोच वापस ली, सोच डाउन की। पहले सोच बढ़ाई थी, सोच वापस ले ली। अच्छा, अगर मैं इधर देखूं, ये जो मेरा सोच वाला अकाउंट है, एक्सपेक्टेशन वाला अकाउंट है, तो यहां भी तो मुझे ये लिखना होगा ना, यस टू ब्रोड डाउन टू डिपार्टमेंट स्टॉक लिख लो बेटे, टू ब्रोड डाउन, क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक पर है तो मैं यहां पर भी इसको ऐसे लिखना चाहूंगा, मार्कअप ब्रोड डाउन इसके अंदर भी। ठीक है। और यहाँ पर भी क्योंकि बेटे ये ओपनिंग स्टॉक का ये बैलेंस ब्रोट डाउन है, क्या डिपार्टमेंट स्टॉक वाला ओपनिंग वाला बैलेंस ब्रोट डाउन कितने रुपए, 510 रुपए। लो जी मैंने दूसरी जगह पर लगा दिया डैश, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरी जगह पर भी कुछ लिख दे एग्जामिनर कल को और मैं अपनी कॉपी मांगू तो मैंने देखूं कि भाई मैंने तो वहां पर लिख ही नहीं रखा था, पता चला वहां पे किसी ने भर दिया। चलो जी पॉइंट नंबर फर्स्ट मेरा पूरा हो गया जी। अब मैं आ रहा हूं जी पॉइंट नंबर सेकंड पे। चलो भाई पॉइंट नंबर सेकंड ये रहा। कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको खरीदा था 1988 में 2700 रुपए की, 2700 रुपए की कॉस्ट वाला, और वो माल किस डिपार्टमेंट के लिए खरीदा गया था, वो माल खरीदा गया था, वो माल खरीदा गया था डिपार्टमेंट वाई के लिए, डिपार्टमेंट वाई के लिए खरीदा गया था। अच्छा, और उसको ट्रांसफर कर दिया गया डिपार्टमेंट जेड के यहां पर, जेड के यहां पर। कह रहे हैं बाकी सारी एंट्री होगी, बस आईडीटी वाली एंट्री नहीं हुई। पहले तो भाई मैं आईडीटी को रेड पेन से लिख देता हूं, आईडीटी, आईडीटी मैं निकाल रहा हूं। अब बेटे कोई बच्चा पेन नहीं चलाएगा तो मजा आ जाएगा, प्लीज बेटे पेन मत चलाना। कैमरे में सारे बच्चे मुझे दिख रहे हैं सर, लगाओ ना, सारे बच्चे दिख रहे हैं मेरे को, पेन मत चलाओ प्लीज, आप ही को कह रहा हूं बेटे। हाँ नहीं वो उधर, हाँ आप ही को मत चलाना पेन प्लीज। देखो इधर आईडीटी, टू आईडीटी, एक डिपार्टमेंट से निकला और दूसरे डिपार्टमेंट में पहुंचा। जब निकलेगा जी तो अपनी कोस्ट भी लेगा और अपनी लोडिंग मतलब मार्कअप भी लेकर के निकलेगा जी। चलो बेटे इसको वाई डिपार्टमेंट से निकालें, और जब वाई डिपार्टमेंट से निकलेगा तो वाई डिपार्टमेंट की उतनी सोच भी वापस घटेगी, टू आई डी टी वाला डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट। कितने रुपए की कोस्ट थी, कितने रुपए की कोस्ट थी, ये थी 2700 रुपए की कोस्ट, डिपार्टमेंट वाई के यहां पर पहुंची थी। अच्छा 2700 रुपए की कोस्ट वाला माल डिपार्टमेंट वाई के यहां से वापस आ रहा है, हाँ जी। तो इस 2700 रुपए की कोस्ट के अंदर कितने रुपए की लोडिंग रही होगी, कोई मुझे बता सकता है बेटे सेस पे? फिर भूल गया मैं तो, ओहो कितने की होगी, कितने की होगी, कौन है सुपरस्टार, है कोई सुपरस्टार, कितने की होगी, वेरी गुड, फिर से पटना सुपरस्टार, वेरी गुड, पटना ने सब सेंटर को कंपटीशन दे रखा है तगड़े वाला। 2700 में जोड़ दिए जी, यानी बेटे 3600 रुपए का प्राइस था जो वापस आया। भाई पटना ने सबको चैलेंज दे रखा है बढ़िया वाला, सबसे पहले जवाब देता है एकदम सही। तो 3600 रुपए यहां पर घुसे थे, इन्हीं को वापस निकाल लिया गया, और वहां से भी फिर 900 की सोच को वापस ले लिया गया, उम्मीद को वापस ले लिया गया। उम्मीद वाई डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हो जाएगी, कहां पर बेटे, जेड के यहां पर। लो जी मैं आपको दोनों अकाउंट एक साथ दिखा रहा हूं ताकि आपको आईडीटी का इफेक्ट एक साथ समझ में आए। वाई डिपार्टमेंट के यहां से माल निकला तो वाई डिपार्टमेंट की एक्सपेक्टेशन भी हमने कम कर दी जी, और उतनी एक्सपेक्टेशन जितनी हमने उससे एक्सपेक्टेशन जोड़ी थी उसके यहां पर उतनी वापस ले लीजिए। अब ये कहां पे घुसेगा जी, ये घुसेगा जी डिपार्टमेंट जेड के यहां पर, तो जेड के यहां पर आ गया जी, तो वाई के यहां तो एंट्री नहीं होगी। दो चीजें, एक तो भाई कोस्ट और एक मार्कअप। बेटे कितने रुपए की कोस्ट है बच्चों, 2700 रुपए की, और उस पर मार्कअप कितने का होगा। अच्छा जब जूम आउट हो रहा है तो ब्लर हो रहा है, ओके एक मिनट। अब सही है बेटे वाराणसी, अब सही है ना बेटा, बता दिया करो साथ के साथ तुरंत, है ना। हाँ तो धनबाद ने पहले जवाब दे दिया, वेरी गुड धनबाद, इस बार की बाजी धनबाद के नाम। 2700 डिवाइडेड बाई 2 1350 रुपये 50% की लोडिंग है जो लेकर के ये एंट्री करेंगे। तो भाई 4050 रुपये का माल यहाँ पर पहुंच गया, इनवॉइस प्राइस का माल यहाँ पर पहुंच गया, जिसमें 1350 रुपये है लोडिंग के नाम की, एक्सपेक्टेशन के नाम के। तो हम एक्सपेक्टेशन वाले अकाउंट में भी एंट्री कर दें क्या? बिल्कुल जी, अब हम एक्सपेक्टेशन वाले अकाउंट में भी एंट्री कर देते हैं। मार्कअप वाले अकाउंट में भी क्या लिखेंगे? बाई आईडीटी। ये 900 की एक्सपेक्टेशन है। टी बच्चे को पता क्या डाउट हो सकता है? सर हाँ, सर हाँ, सर हाँ, बताओ बताओ सर, ये 900 रुपये घटा रहे हैं और वहां पे 900 रुपये क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? बेटे ये कमरा वो है जिसके अंदर 900 रुपये जुड़े थे, तो हमने 900 रुपये निकाल लिए। अच्छा, फिर दूसरी जगह पे आपने 900 क्यों नहीं जोड़े? वो वाला जो कमरा है, वो जो रूम है, उसके अंदर पता है क्या होता है? क्या उसके अंदर 50% के हिसाब से एंट्री होती है, तो वहां पर जो लोडिंग है वो 1350 रुपये की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई जी। 1350 रुपये 1350 रुपये वो गेट तब खोलता है जब 50% जोड़ लेते हैं। एंड आई होप कि यहां तक ओके है। अब हम चल रहे हैं जी आगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, तसल्ली से क्वेश्चन करने हैं। लो जी, अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3rd। चलो जी, पॉइंट नंबर 3rd की बात करें। सारे बच्चे पॉइंट नंबर 3rd पे आएंगे, सारे बच्चे पॉइंट नंबर 3rd पे आएंगे। और ये मैंने दिखा दिया जी यहाँ पर पॉइंट नंबर 3rd, ये रहा जी पॉइंट नंबर 3rd। कह रहे हैं जो करंट ईयर में 1988, मतलब बेटे करंट ईयर, ये करंट वाले ईयर का जो ईयर है वो 1988 है। कह रहे करंट ईयर में मार्क डाउन किया गया, मतलब कि एक्सपेक्टेशन को डाउन कर दिया गया, जो हमने एक्सपेक्टेशन बढ़ा रखी थी ना उनको कम कर दिया गया। भाई मार्केट में रेट घट गए होंगे, चलो जी हमने कर दिया, कितने रुपए से कम कर लिया? वाई डिपार्टमेंट की एक्सपेक्टेशन 800 रुपये से कम कर दी, जेड डिपार्टमेंट की एक्सपेक्टेशन 4100 रुपये से कम कर दी। धनबाद कह रहे हैं आईडीटी नहीं क्लियर हुआ। बेटे धनबाद तुरंत बताया करो ना, जब मैं तुमसे पूछा करूं साथ के साथ बताया करो। अब मैं इस वाले पॉइंट को करा करके दोबारा आता हूं आईडीटी पे, ठीक है, वरना बाकी बच्चों की अटेंशन डाइवर्ट होगी। हाँ जी, तो गुड्स जो खरीदा था 1988 में करंट ईयर में, उसको मार्क डाउन कर दिया गया, मतलब बेटे उसकी उम्मीदें कम कर दी गई, जो बढ़ाई गई थी वो कम कर दी गई। वाई डिपार्टमेंट की उम्मीद वापस ले ली गई, मार्कअप वापस ले लिया गया 800 का। सर ये ओपनिंग में भी तो लिया था 510, बेटे वो अलग है, वो पुराने माल पर, ये करंट ईयर के माल की बात कर रहे हैं। 800 वापस ले लिया गया, जेड डिपार्टमेंट का 4100 वापस ले लिया। पहले मैं इसकी एंट्री कर लूँ जी। लो जी, वाई डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, डिपार्टमेंट वाई की, तो डिपार्टमेंट वाई का हमें जो ये वाला माल है ना, ये वाला माल, इसके अंदर 54,000 जो हमने ऐड कर रखे हैं, हाँ, इस 54,000 में से हमें कुछ वापस लेना है मार्क डाउन, तो मैं इसको वापस लिख रहा हूं, मैं उतना मार्कअप अकाउंट वापस ले रहा हूं, बाई मार्कअप, बाई मार्कअप अकाउंट। सर मार्क डाउन क्यों नहीं बोलते? बेटे मैं अकाउंट का रेफरेंस दे रहा हूँ, मार्क डाउन करने मतलब मैं उसी अकाउंट का नाम जब बाई साइड में लिख रहा हूं तो वो अपने आप वापस हो रहा है। कितना 54 में से कितना वापस हुआ जी वाई के यहाँ पर? वाई के यहाँ पे हुआ जी 800 रुपये, और इधर जेड के यहाँ पर कितने रुपए का मार्कअप वापस हुआ? 4100 रुपये। ये इतने की अमाउंट एक्सपेक्टेशन वाली घटा दी गई। 1,62,000 जी, 1,62,000 जी, हम तुमसे उम्मीद लगा बैठे थे 54,000 रुपये और तुम दिलाओगे। अब हम अपनी उम्मीद को 54,000 में से 800 रुपये की उम्मीद वापस ले रहे हैं, आप हमें 53,200 रुपये दिला देना। उम्मीद बच गई कितने की? 54 माइनस 800, 53,200 की। लेकिन इसकी एंट्री कहाँ पे होगी? उम्मीद के अकाउंट में। ये रे बेटे एक्सपेक्टेशन मार्कअप अकाउंट टू डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट, जो हमने किया है जी ड्यूरिंग द ईयर मार्क डाउन 800 रुपये, 800 रुपये और 4100 रुपये, दोनों में से हमने कुछ कुछ उम्मीदें वापस ली। बोलो जी, यहां तक कोई डाउट है? पक्का? इस वाले पॉइंट में कोई डाउट है क्या? मैं आईडीटी पॉइंट रिपीट करूंगा धनबाद, ठीक है, क्योंकि आपने उसी टाइम पे नहीं पूछा बेटे, मैं इसलिए बाकी बच्चों का ध्यान ना डाइवर्ट हो इसलिए रोक रहा हूं। पहले ये पॉइंट मैं पूरा क्लियर कर देना चाहता हूं। मुझे सारे बच्चे बताएंगे कि ये वाला पॉइंट क्लियर है कि नहीं। नहीं क्लियर है, वाराणसी कह रहे हैं नो सर, इसका मतलब नहीं क्लियर है। अच्छा देखो भाई वाराणसी, अच्छा नो सर, शायद आपने डाउट के लिए लिखा होगा कि नो सर डाउट नहीं है। अच्छा, अरे सर नो डाउट क्लियर है, ओके ठीक है, आपने नो सर बोला है कि डाउट नहीं है, इस बात के लिए ठीक है जी। किसी और को कोई डाउट? पटना को क्लियर है। धनबाद लिखो ना जल्दी, मैं आईडीटी वाला पॉइंट रिपीट कर दूंगा बेटे। धनबाद, लक्ष्मीनगर, वाराणसी और पटना का तो जवाब आ गया, क्योंकि इस पॉइंट में कहीं दिक्कत ना हो जाए। ये पॉइंट अभी कंटिन्यूएशन में, अभी हमारा पॉइंट पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इस पॉइंट के दो फेज हैं। सबसे पहले तो मार्क डाउन करना, फिर उसके बाद में क्लोजिंग वाले स्टॉक की बात करना। चलिए धनबाद का भी जवाब आया है। लक्ष्मीनगर तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? चलो अब इस पॉइंट को जरा आगे पढ़ो, क्योंकि ये बेटे अभी पॉइंट क्लियर पूरी तरह से नहीं हुआ होगा। ये सिर्फ इस पॉइंट का आधा भाग है जो अभी हमने किया है। बच्चों जरा दोबारा से पढ़ो इस पॉइंट को। करंट ईयर में जो खरीदा था 1988 में, करंट ईयर में जो खरीदा था, कितना खरीदा था? 1,62,000 वाला, 1,62,000 वाला। हाँ, कहां पर? ये रहा, वाई डिपार्टमेंट के लिए जो खरीदा था 1,62,000। हाँ, जिस पर हमने 54 की उम्मीद बढ़ाई थी। हाँ, इस 1,62,000 में से, इस 1,62,000 में से 8,000 रुपए की कॉस्ट ऐसी थी, सामने देखना स्क्रीन पे, 8,000 रुपए की कॉस्ट ऐसी थी जिस पर मार्क अप जो भी था वो 800 रुपए से कम वापस ले लिया। चलो जी कोई बात नहीं, जहां जहां इस 1,62,000 का मार्कअप तो वहां वहां उसी का वहीं पे हमने वापस ले लिया। चलो अब आगे बात बताओ, क्या कहना चाहते हो? कि ऐसी बात डिपार्टमेंट जेड के लिए हुई थी। अच्छा, जेड के लिए क्या हुआ? 21,000 रुपए की कोस्ट थी, उसमें से 4,100 वापस ले लिया था। इस 1,90,000 के अंदर 21,000 रुपए की कोस्ट थी और जिस पर उम्मीद बना ली थी 95,000 की, और उसका हमने, उस 95 की उम्मीद में से हमने 4,100 की उम्मीद वापस ले ली थी, क्योंकि 4,100 पार्टिकुलर माल से बिलोंग करती थी। अब वो माल कितने का था और क्या हुआ उस माल का, जरा देखो। क्वेश्चन जो बात बोल रहा है बेटे पूरी ध्यान से सुनना अब इस टाइम पे, वरना डाउट, महा डाउट आ जाएंगे। सारा ध्यान स्क्रीन पे। कह रहे हैं क्या, जब साल खत्म हुआ एट द ईयर एंड, इनमें से कुछ माल ऐसा था जो स्टॉक में रह गया, जेड डिपार्टमेंट के स्टॉक में रह गया। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कुछ की ऐसी कम तैसी। क्या मतलब सर, ये क्या बात हुई? मैंने कहा कुछ को छोड़ो, मैं तो ये कह रहा हूं 2 मिनट के लिए मान लो कि सारा का सारा माल, सारा का सारा माल, ऐसे वाला माल जिसको हमने मार्कडाउन कर दिया था, सारा का सारा माल अगर क्लोजिंग स्टॉक में बैठा हो तो मुझे बताओ उसके ऊपर कितना पार्ट है जो मैं स्टॉक रिजर्व बोल सकता हूं। अगर सारा माल बैठा हो क्लोजिंग स्टॉक में, मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा जब ईयर एंड हुआ तो कुछ माल जेड डिपार्टमेंट वाला, ये 21,000 वाला, 21,000 जिसकी कोस्ट थी, जिसको 4,100 रुपए से कम कर दिया गया था, इसका कुछ हिस्सा ईयर एंड में रह गया था। मैं आपसे कह रहा हूं 2 मिनट के लिए मान लो सारा ही माल, सारा ही माल स्टॉक में होगा अगर, तो कितने रुपए की उसके ऊपर स्टॉक रिजर्व होगी? आइए जी इस पॉइंट को जरा अच्छे से एनालाइज करना है। हाँ जी एक मिनट में पानी पी लेता हूं। जरा निकालो सारे बच्चे, उसके अंदर कितने रुपए प्रॉफिट के जुड़े होंगे? पता है ना कोस्ट कितने की थी? 21,000 कोस्ट थी जी, 21,000 की। वर्किंग नोट, नंबर 1, पटना ने बताया 5,632। अभी देखता हूं बेटे, शायद आप सही कह रहे हो, अभी देखता हूं। जरा देखो मार्क्ड डाउन, मैंने क्या रखा है इसका नाम, मार्क्ड डाउन स्टॉक एट ईयर एंड। एग्जाम में ये लेफ्ट वाला काम नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए। आपको जो लिखना है वो सिर्फ राइट वाला लिखना है। आप अभी लेफ्ट वाले को लिखना मत, सिर्फ समझना। ये देसी भाषा में समझा रहा हूं। अगर सारा बच गया, अगर सारा बच गया तो कैसे होगा भाई? भाई उसकी कोस्ट थी कितने की, 21,000 की। उस पर नॉर्मल मार्कअप था, नॉर्मल मार्कअप। डिपार्टमेंट जेड की बात हो रही है बेटे, ध्यान रखना, जेड डिपार्टमेंट की बात हो रही है। और उसके यहाँ नॉर्मल मार्कअप होता है बेटे 50%। 50% मतलब 10,500 रुपए। और इस 10,500 को ही तो कम किया था ना, कितने से, 4100 से। तो अगर मैं देखूं तो भाई 10,500 माइनस 4100 यानी 6,400 है जो नेट है, प्लस 21,000 यानी कि 27,400 है, जिसको मैं कह सकता हूं मार्क्ड मार्क्ड मार्क डाउन वैल्यू। क्या बोला मैंने, मार्क डाउन वैल्यू। वैल्यू कम करने के बाद इतने रुपए थी। अगर सारा माल बच जाएगा तो पता है क्या होगा, मेरे को ये वाला सारा का सारा माल दिखाई दे रहा होगा डिपार्टमेंट स्टॉक के अंदर बाय क्लोजिंग स्टॉक। बिल्कुल सही, 27,400 रुपए पर दिख रहा होगा। अगर मैं ढंग से देखूं इसमें, अगर ये सारा माल दिखाई देगा तो मुझे कोस्ट तब भी 21 की दिखेगी, हाँ सर। और मुझे उसके अंदर मार्कअप जो दिखेगा वो कितने का दिखेगा, 6,400 का दिखेगा। और तब मैं आगे बढ़ करके मार्कअप अकाउंट में अगर मैं इसका स्टॉक रिजर्व हटाना चाहूंगा, क्योंकि इसकी जो स्टॉक रिजर्व है वो बाकी की तरह 50/150 करके नहीं निकलने वाली। इसकी स्टॉक रिजर्व नॉर्मल नहीं है, इसकी स्टॉक रिजर्व कुछ और तरीके से निकलेगी। इसकी स्टॉक रिजर्व है बेटे 6,400। बाकी का तो जो बाकी का माल होगा, इसके अलावा दूसरा माल जो पड़ा होगा डिपार्टमेंट स्टॉक में, उसमें तो भाई 50/150 में कर दूंगा। लेकिन ये वाला जो माल है, इस वाले माल में तो 50/150 में तब करता ना जब मैं 21,000 में 50% जोड़ रहा होता, 10,500 जोड़ रहा होता। लेकिन ये तो 10,500 ही घट गया, तो इसकी तो लोडिंग ही अलग आएगी, तो इसकी स्टॉक रिजर्व भी अलग ही है। पहले मुझे ये बात बता दो, यहां तक ओके है क्या, कि अगर सारा माल बच जाए तो क्या दिखाई देगा? बोलो बेटे, जल्दी से बोलो सारे बच्चे। अगर 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 सारा माल यहां तक, यहां पे बचा हुआ दिखे तो क्या होगा जी? यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी बोलो जी बच्चों। अगर सारा माल बच जाए तो ये हालत होगी जी, डिपार्टमेंट स्टॉक में ये लिखेंगे, स्टॉक रिजर्व में ये लिखेंगे। पटना का ओके है, बाकी बच्चे सो गए। बाकी बच्चे जल्दी से जवाब दो बेटे, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करके चलूंगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। मुझे इंतजार है आपके जवाब का। बाकी सेंटर जवाब दें जल्दी, एक एक पॉइंट पर क्लियर करना है, क्योंकि बाद में आप ये वाला डाउट पूछोगे, फिर मैं कहूंगा बेटे बस, बाकी बच्चों का टाइम बर्बाद हो रहा है। हाँ जी, इस पॉइंट पर फिर मैं डाउट नहीं लूंगा, मुझे सारे बच्चे बताएंगे। बाकी सेंटर का जवाब आ ही नहीं रहा। लक्ष्मीनगर का आ गया, पटना का आ गया, वाराणसी, धनबाद। उठो बेटे उठो, सेस तक आने का कष्ट करो। दो सेंटर सो गए, ना धनबाद का जवाब आ रहा है ना वाराणसी का आ रहा है। धनबाद का हो गया, वाराणसी का हो गया, अब आया ना। अब सुनो ध्यान से बेटे, अगर ये सारा माल बच जाए तो होगा ना, लेकिन हकीकत में क्या है, सारा माल नहीं बचा। क्वेश्चन ने एक बात बोल दी यहां पर, क्या, एट द ईयर एंड देयर वर सम आइटम्स इन द स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट जेड which had been marked down to 2300 रुपए। कह रहे हैं जो 2300 रुपए तक घटा दिए गए थे, 2300 तक घटा दिए गए थे, 2300 तक घटा दिए गए थे, यानी उनकी घटी हुई वैल्यू 2300 थी, मार्क डाउन टू। और कह रहे हैं इसके अलावा बाकी सारे मार्क डाउन वाले माल का क्या हुआ कि बाकी सब तो बेच दिया जी, उस घटे हुए प्राइस पे बेच दिया। कहते हैं स्टॉक में कुछ बच गया, अच्छा कुछ बच गया, हाँ, कि जैसे ही इसकी वैल्यू अगर घटा दें, घटाने के बाद वैल्यू 27,400 बची थी, हाँ, तो 27,400 की स्टॉक इधर कितनी थी, 6,400 की। अगर मान लिया माल बच गया, मार्कड डाउन वैल्यू जिसकी है कितने रुपए, 2300 रुपए, तो ये बताओ उस 2300 वाले की स्टॉक रिजर्व कितने रुपए होगी जी, 2300 वाले की स्टॉक रिजर्व कितने रुपए होगी जी, 2300 वाले की स्टॉक रिजर्व कितने रुपए होगी जी। तो मैंने कहा लो भाई 27,400 वाले की स्टॉक रिजर्व होती है 6,400 रुपए, अगर घटी हुई वैल्यू 27,400 है तो उसकी स्टॉक रिजर्व बैठती है 6,400। तो अगर 2300 रुपए है वो घटी हुई वैल्यू, तो उसकी स्टॉक रिजर्व कितनी है जी, 6,400 इंटू 2300 डिवाइडेड बाई 27,400, ये आ गया जी 537 रुपए, 537 रुपए है जी उसकी स्टॉक रिजर्व। किसी बच्चे को कोई दिक्कत जल्दी बोलो सेस पे, क्योंकि ये वाला पॉइंट बहुत दिक्कत कर देगा वरना बाद में। क्या कोई स्टॉक जो घटी हुई वैल्यू है 27,400, अगर सारा बचता तो रिटर्न मार्क डाउन वैल्यू कहलाती 27,400 और उसके अंदर स्टॉक रिजर्व होती 6,400, और यहाँ पर मार्क डाउन कितना बचा हुआ है, सारा तो 27,400 का बचा नहीं, बाकी कुछ बिक गया, तो कुछ बच गया 2300 रुपए की मार्क डाउन वैल्यू का। तो इसके रिलेटेड स्टॉक रिजर्व कितने की है, 6,400 स्टॉक रिजर्व होती है 27,400 घटी हुई वैल्यू की, तो 2300 अगर घटी हुई वैल्यू है तो कितनी हिस्से में स्टॉक रिजर्व, 537। वाराणसी का ओके है, धनबाद को समझ में नहीं आया है। धनबाद बेटे इधर ध्यान दो आराम से, मैं कोई नई बात नहीं बताऊंगा, उसी बात को रिपीट कर रहा हूं बेटे। कोस्ट कितने की थी माल की, धनबाद सारा माल अगर सारा बच जाए 21,000 ना, 21,000 की कोस्ट पर अगर मैं, चलो मैं एक और नई तरीके से बात करता हूं। लो जी कोस्ट है अगर 21,000 तो उस पे बेटे नॉर्मल मार्कअप कितना होता बताओ, नॉर्मल मार्कअप कितना होता, 1/3 यानी 33.33%, वो होता जी सॉरी 50%, क्योंकि डिपार्टमेंट जेड है, 50% के हिसाब से 10,500 जोड़ते तो कितना आता जी, 31,500 आता। ये नॉर्मल इनवॉइस प्राइस है। इस वाले प्राइस को हमने घटाया, डाउन किया, इस वाले प्राइस को डाउन किया 4100 रुपए से, तो ये मार्क डाउन घटी हुई वैल्यू, मार्क डाउन वैल्यू कितने रुपए की, 5 में से 1 गया बचा 4 और 11 में से 4 गए बचे 7, 27,400 रुपए की घटी हुई वैल्यू है। तो अगर ये सारा का सारा माल बच गया होता बेटे क्लोजिंग स्टॉक में, तो मैं ये कहता कि कोस्ट है जी, कोस्ट है 21,000 रुपए की कोस्ट है, और इनवॉइस प्राइस है जी, इनवॉइस प्राइस है 27,400 का इनवॉइस प्राइस है। अगर ये सारा माल बच जाए, और भाई इन दोनों के बीच की दूरी जिसको मैं कहूँगा कि अगर सारा माल स्टॉक में हो, तो डिपार्टमेंट स्टॉक के अंदर मैं ये लिखने वाला हूँ, डिपार्टमेंट स्टॉक के अंदर मैं ये लिख रहा होता 27,400 का क्लोजिंग स्टॉक, और मैं साथ साथ में कर रहा होता इन दोनों के बीच के अंतर को लिख रहा होता, किस में, लोडिंग वाले अकाउंट में, मार्कअप अकाउंट में मैं लिख रहा होता कितने रुपए लिख रहा होता इसके स्टॉक रिजर्व के नाम के, इन दोनों का डिफरेंस 6,400 टू स्टॉक रिजर्व 6,400 लिख रहा होता जी। लेकिन ये सारा माल नहीं बचा, कहते हैं 27,400 अगर सारा बचता तो लिखते ना कि हाँ 27,400 के बराबर, यानी घटी हुई वैल्यू के बराबर। अगर ये कह रहे हैं कि भाई 2300 रुपए है, क्योंकि सारा 27,400 नहीं, कुछ माल है जो बच गया, बाकी सारा बिक गया, तो ये कह रहे हैं 2300 रुपए की घटी हुई वैल्यू अगर बची हुई है क्लोजिंग स्टॉक में, यानी जो माल खराब हो गया था जिसकी वैल्यू डाउन की थी उसमें से कुछ माल 2300 की घटी हुई वैल्यू का बच गया स्टॉक में, तो उसकी स्टॉक रिजर्व कितनी है? मैंने कहा 27400 अगर घटी हुई वैल्यू है तो उसकी स्टॉक रिजर्व होती है 6400। बिल्कुल, तो ऐसे ही अगर मैं डिपार्टमेंट स्टॉक में लिखने चला कि मेरा जो एबनॉर्मल वाला गुड्स है उसकी वैल्यू है 2300 रुपए, तो जब मैं इसकी स्टॉक रिजर्व लिख रहा होगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल स्टॉक रिजर्व नहीं होगी, ये अजीब सी स्टॉक रिजर्व होगी, तो मुझे अलग से निकालनी पड़ेगी इस वाले माल की कि इस वाले की स्टॉक रिजर्व कितनी है। मैंने कहा 27400 होता है होती घटी वैल्यू तो 6400 रुपए, अगर 2300 है तो कितनी? भाई हमने इसी को निकाल लिया, 2300 इंटू 6400 डिवाइडेड बाई 27400, तो ये बेटे 537 आया, 537 रुपए आया। धन्यवाद, इतनी बात बताओ कि ये बात समझ में आ गई क्या? फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्योंकि ये सारा 27400 वहां पर नहीं मिला देखने को, सिर्फ 2300 मिले, तो 2300 के हिस्से वाली स्टॉक जब मैंने यहाँ पे लिख दी, बस वो हिस्सा निकालना आना चाहिए। बोलो भाई धन्यवाद, ओके है कि नहीं? और नहीं है तो नहीं लिखना, घबराना मत, क्लियर है? चलो क्लियर हो गया। आ जाओ जी वापस। तो ये था हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर डिपार्टमेंट के यहाँ पर, डिपार्टमेंट जेड के यहाँ पर, डिपार्टमेंट जेड के यहाँ पर जो भी स्टॉक होगा उसमें से एक स्टॉक तो पक्का है, एक स्टॉक तो पक्का है, एक स्टॉक तो पक्का है। मैं उसको पहले से लिख दूं, बैलेंस सीडी एबनॉर्मल वाला, यस, बाई क्लोजिंग स्टॉक, या चलो इकट्ठा लिख दूंगा, बाई क्लोजिंग स्टॉक, और फिर उसकी स्टॉक रिजर्व हम लोग इकट्ठी लिख लेंगे, चलो कोई बात नहीं, इकट्ठी लिख लेंगे, ठीक है जी। हमने एक वर्किंग बना ली। पॉइंट नंबर 4 पर आना है मुझे, लेकिन पॉइंट नंबर 4 पर आने से पहले मैं जरा एक डाउट ले लूं उस बच्ची का, आईडीटी वाला जो डाउट है, वरना वो अगला पॉइंट नहीं समझ पाएगी। बेटा इधर देखो, मैं एक वर्किंग नोट नंबर 2 स्पेशली तुम्हारे लिए बना रहा हूं, बाकी बच्चे वर्किंग नोट नंबर 2 ना बनाएं, क्योंकि ये उस बच्चे के लिए है जिस बच्चे को नहीं समझ में आया होगा आईडीटी वाला पॉइंट, सिर्फ वही बच्चा बनाएगा। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, और जब क्लियर हो जाए बेटे क्लियर लिख देना बच्चे। एक है जी डिपार्टमेंट, कौन से वाला जी? डिपार्टमेंट वाई। इसके यहां से ट्रांसफर हो रहा है कहां पर? डिपार्टमेंट जेड में। दरअसल ये कॉलमनर फॉर्म एक साथ आ गया ना इसमें डिपार्टमेंट में, तो इसलिए आपको शायद ऐसा लग रहा हो, वरना यही दो दो अकाउंट बना के करता तो जल्दी हो जाता, जल्दी क्या देर से होता बस। यहाँ पर डिपार्टमेंट वाई में कुछ माल ऐसा था जिसकी कॉस्ट थी बेटे 2700 रुपए, और डिपार्टमेंट वाई में कितना होता है लोडिंग, कितनी होती है? 1/3 होती है बेटे, 33.33% लोडिंग वाला घर है ये। तो यहाँ पर मार्कअप हम कर रहे हैं बेटा 33.33%, यानी 1/3, 900। तो इसका जो इनवॉइस प्राइस है वो कितना है? 3600 रुपये। जब डिपार्टमेंट वाई के यहाँ पर बहुत सारा माल आया था, जब डिपार्टमेंट वाई के यहाँ पर बेटे बहुत सारा माल आया था परचेज के रूप में, तो ये 2700 भी उसी के अंदर जुड़ा हुआ था, और उसमें सभी के साथ में इसमें 900 रुपए भी जुड़ गए थे बेटे। लेकिन ये माल यहां से ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरे डिपार्टमेंट में, तो मैंने कहा भाई इसका नाम है आईडीटी। ये कहां से कहां पे जा रहा है? वाई से लेके जेड में जा रहा है। तो इसकी जितने रुपए की कोस्ट यहां पर थी, 2700 इसके अंदर जुड़ा हुआ था बेटे, 900 इसके अंदर जुड़ा हुआ था, हम उसी को वापस ले रहे हैं बेटा। कोस्ट और मार्कअप 2700 और 900 हमने वापस ले लिया जी 3600 रुपए जो यहाँ पर जुड़ा हुआ था। और अगर मैंने ऐसा किया तो साथ साथ में मुझे मार्कअप अकाउंट में भी बात वापस लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब भेजा गया था तो मार्कअप भी हमने अपना रिकॉर्ड कर लिया था। तो जब मैं ऐसे करूंगा तो बेटे क्या करूंगा यहाँ पे? यहाँ पे मैं वापस से उस मार्कअप को मार्कअप वाले अकाउंट से भी घटाऊंगा, क्योंकि जब माल वाई डिपार्टमेंट से हट रहा है तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी वहां से हट रही है। इतनी बात समझ में आई जिस बच्ची का डाउट था? बोलो बेटे धन्यवाद। इतनी बात ओके है गुड़िया, ये डाउट क्लियर है बेटा। फिर डिपार्टमेंट जेड में यहां तक ओके है बेटा। अच्छा, अब डिपार्टमेंट जेड में आया बेटे तो यही माल जब वहां पे पहुंचा इसकी कोस्ट थी, कोस्ट तो वही रहेगी 2700, लेकिन इस पे लोडिंग जो है वो कितना है 50%, इसमें मार्कअप जुड़ गया 50%, तो 2700 डिवाइडेड बाई 2 1350 जुड़ के, क्योंकि इस वाले घर में जब माल आएगा तो वो अपनी लोडिंग लेकर के आएगा डिपार्टमेंट स्टॉक। तो यहां पर इसमें एंट्री हुई। दरअसल ये ना हमने कॉलमनर फॉर्म में बनाने, जैसे एग्जाम में मैंने आपको वैसे क्वेश्चन कराया है, और जब ये दोनों कॉलम एक साथ दिखते हैं तो अजीब सी सिचुएशन हो जाती है कई बार बच्चों के लिए। कोस्ट प्लस मार्कअप 2700 और प्लस ये 1350 कितना हो गया जी 4050, और यही मार्कअप अकाउंट में बात होगी जी। इतने रुपए की लोडिंग हम यहां पर कर देंगे जी ऐड। ये मैंने 2 IDT लिखा, ऐसे ही मैंने यहां पर by IDT लिखा। हाँ जी, इसमें कितना 1350 रुपए। अब मुझे एक बार सेस पे लिख के बताओ डाउट ओके, ताकि मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकूं। बोलो बेटे धन्यवाद। ओके डाउट ओके। तो अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लगता है, जरा सा भी डाउट आता है, तो वो दो अकाउंट खींच ले। डिपार्टमेंट वाई का स्टॉक और मार्कअप अकाउंट अलग खींच लो, डिपार्टमेंट जेड का स्टॉक और मार्कअप अकाउंट अलग खींच लो बेटे। लेकिन उसमें ना डबल मेहनत लगेगी, बार बार आपको परचेज लिखना पड़ेगा, बार बार आपको सेल लिखना पड़ेगा, बार बार आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ये सब चीजें लिखनी होंगी। बस यहाँ पर ना कॉलमनर फॉर्म में स्मार्ट वर्किंग बोलते हैं इसको, एग्जाम में ये चीज मांगते हैं। मैं चला पॉइंट नेक्स्ट की तरफ। अगला पॉइंट, हाँ जी, पॉइंट नंबर 1 2 3 हो गया था। 3 अभी हमने वर्किंग नोट में रख रखी है, इसकी स्टॉक रिजर्व। हम चल रहे हैं बेटे पॉइंट नंबर 4 की तरफ। ड्यूरिंग द स्टॉक टेकिंग ये पता चला कि जो जिसकी कोस्ट से 240 रुपए वो गायब है माल डिपार्टमेंट वाई का, मतलब सीधी बात डिपार्टमेंट वाई के यहाँ पर एक एबनॉर्मल लॉस आ गया जिसकी कोस्ट थी 240 रुपए। ओके, तो भाई एबनॉर्मल लॉस की एंट्री कर रहा हूं मैं, तो 2 मिनट बच्चे पेन नहीं चलाएंगे, पहले मुझे करने देंगे। मैंने कहा लो भाई बाई एबनॉर्मल लॉस जिसकी कोस्ट है 240, पता है आपको किसके यहाँ पर है? डिपार्टमेंट वाई के यहाँ पर है, तो मैं डिपार्टमेंट वाई के यहाँ पे लिखने बैठ गया। और जिस पर मार्कअप होगा, आपको पता है आप एबनॉर्मल लॉस यही तो अलग करते थे, जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे जाएगा। इस डिपार्टमेंट के अंदर इनवॉइस प्राइस पे तो माल आता है ना बेटे, तो इनवॉइस प्राइस पे ही माल वापस जाएगा। 240 पर 1/3 जुड़ा होगा जब डिपार्टमेंट वाई के अंदर आया होगा, तो 1/3 के हिसाब से 33.33 के हिसाब से 80 रुपए की लोडिंग बैठती है, यानी बच्चों 320 रुपए का इनवॉइस प्राइस है बच्चों जो यहां से घटेगा। और यहां पहले इसे नोट कर लो, क्योंकि मैं फिर मार्कअप अकाउंट में जाऊंगा इसकी एंट्री करने के लिए। इसको नोट कर लो बेटे जल्दी से, 240 और 80, 240 और 80, आई होप नोट कर लिया होगा। अब यही 80 हम कहां पे बात करेंगे जी? मार्कअप वाले अकाउंट में, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल लॉस की लोडिंग जाती है। नॉर्मल होता तो पूरा इनवॉइस प्राइस चला जाता है, आपको पता ही है बेटे। मैं नई बात तो कुछ बता ही नहीं रहा आज, बस ब्रांच एक ही छत के नीचे है। 2 एबनॉर्मल लॉस 80 रुपए जी, 80 रुपए। लो जी, यहां तक सब बच्चों का पूरा हो गया होगा, एक नोशनल टाइम मानते हुए कि हाँ भाई इतने टाइम में बच्चा नोट कर लेता है। मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। हाँ जी, क्वेश्चन ने अब अगला पॉइंट क्या बोला जी? कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक जो है ना दोनों डिपार्टमेंट का, हाँ जी, वो एनुअल अकाउंट जब बनाते हैं तो कॉस्ट पे वैल्यूएट करते हैं। भाई हम एनुअल अकाउंट थोड़ा ना बना रहे हैं, हम तो मार्कअप अकाउंट बना रहे हैं। चलो जी बस करते हैं बात फिर शुरू। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन को पैक करना है। चलो जी क्वेश्चन को पैक करते हैं सारे बच्चे इधर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट स्टॉक में देखेंगे कि क्लोजिंग वाली बैलेंसिंग फिगर कितनी कितनी आ रही है दोनों अकाउंट में। दोनों अकाउंट में कितने कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है जी। इसका टोटल कितना है जी, इसका टोटल है 32,000 प्लस 2,16,000, ये हो गया जी 2,48,000 रुपये इसका टोटल है। बेटे भेजना कोई, इसमें कितनी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, वाई के यहां पर और जेड के यहां पर 2,48,000 में से घटाओ 510, 2,10,000, 800, 3600, 320। भाई 32,770 का क्लोजिंग अमाउंट आ रहा है इस वाले यहां पर क्लोजिंग स्टॉक का। नेक्स्ट अब जेड की बात कर लेते हैं। 54,000 प्लस 2,85,000 प्लस 4,050, 3,43,050 रुपये। तो घटाओ जी 3,43,050 रुपये में से घटाओ जी 2,85,000 माइनस 4,100। किसी बच्चे ने नहीं लिखा सेस पे 53,950 रुपये, 53,950 रुपये, 53,950 रुपये। अब अगर सभी बच्चों का ये आ गया है तो बेटे आगे बढ़ो, वरना मुझे सेस पे डाउट लिख के भेजो। सभी बच्चों का ये आ गया होगा, मैं ऐसा मान करके नोशनली अब आगे बढ़ रहा हूँ, वरना डाउट होगा तो बच्चा सेस पे भेज देगा। अब इन्हीं वाले क्लोजिंग स्टॉक पर हमें निकालनी है स्टॉक रिजर्व, और जो भी हमारी स्टॉक रिजर्व आएगी जी हम क्या करेंगे जी, हम उसको यहाँ पर लिख देंगे। किस नाम से जी, स्टॉक रिजर्व के नाम से, और बाकी बन जाएगा हमारा अपना जीपी। ये बैलेंसिंग फिगर आएगी जी। चलिए वाराणसी ने ओके भेज दिया है, यानी उनको भी डाउट नहीं है। अब तो बस एक छोटा सा काम है, क्या, स्टॉक रिजर्व निकालना, बहुत छोटा सा काम है। तो जरा पहले डिपार्टमेंट वाई की बात कर लेते हैं जी। एक वर्किंग नोट हमें और बनाना है जी, जिसका नाम है वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। देखे कौन सा बच्चा एकदम सही स्टॉक रिजर्व लिख के भेजेगा। ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन देता हूं वो वाला सॉल्यूशन देता हूं जो इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर है, और सजेस्टेड आंसर के को अगर छाप क्या होगे ना इंस्टीट्यूट के अगले, अगर एग्जाम में आ गया, ऐसा होता है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको नंबर नहीं देगा अपने ही दिए हुए आंसर के, नंबर उसी के मिलेंगे जो आप प्रोफेशनली प्रेजेंट करके आएंगे अच्छे से। सबसे पहली बात, ऑन डिपार्टमेंट वाई स्टॉक, डिपार्टमेंट वाई का जो स्टॉक है वो कितने रुपए का है जी, 32,770 रुपए का जो स्टॉक है, इस वाले के ऊपर कितने रुपए की स्टॉक रिजर्व है, अब हम ये निकालने जा रहे हैं जी। तो पहले तो ये देख लो जी क्या कि डिपार्टमेंट वाई में कोई माल ऐसा भी था क्या। अच्छा धनबाद ने मेरे को स्टॉक रिजर्व भेज दी, अभी देखता हूँ बेटे धनबाद, अभी देखता हूँ बेटे, भेजो भेजो आंसर भेजो सारे बच्चे भेजो। तो मैं बात करूंगा पहले बेटे डिपार्टमेंट वाई की। डिपार्टमेंट वाई का जो स्टॉक है, पहले तो ये चेक करो कि डिपार्टमेंट वाई में कोई माल ऐसा था क्या जिसका मार्क डाउन हुआ था क्या। हाँ जी बिल्कुल, देखो जरा चेक करो डिपार्टमेंट वाई में मार्कडाउन हुआ था क्या? हाँ जी हुआ था। कितने रुपए का हुआ था? 800 रुपये का हुआ था, यानी कि लोडिंग हिली होगी। अब लोडिंग अगर हिली हुई है तो जरा देखे तो सही कि वो माल निकल चुका है या अभी भी यहाँ पे बैठा है क्लोजिंग स्टॉक में, कि वो माल निकल चुका है या अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में बैठा है। क्योंकि अगर वो माल अभी क्लोजिंग स्टॉक में बैठा है तो उसकी लोडिंग अजीब सी होगी, उसको अलग से निकालना पड़ेगा जी। जरा देखो पॉइंट नंबर 3 को डेप्थ में पढ़ना एक बार और लास्ट बार इस क्वेश्चन के लिए। ये गारंटी है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला। वर्डिंग तक सेम मिलेगी, फोटोकॉपी बिल्कुल, बस फिगर्स अलग मिलेंगे और कुछ नहीं। तो जरा वर्डिंग को पकड़ना सीख लो, क्वेश्चन में इससे ज्यादा वैरायटी नहीं है जो मैंने दे रखी है। एट द ईयर एंड, यानी क्या हुआ, ये जो मार्कडाउन वाला गुड्स है ना उसकी बात बता रहे हैं। एट द ईयर एंड देयर वर सम आइटम्स इन द स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट जेड। ओ, क्या इसने वाई डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बताया? नहीं बताया। इसका मतलब वाई डिपार्टमेंट की बात करूं तो वाई डिपार्टमेंट के यहां पर क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी माल ऐसा नहीं है जिसकी अजीब सी लोडिंग हो, यानी उसमें तो मैं सीधा सीधा चला सकता हूं 33 डिवाइडेड बाई 133। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि डिपार्टमेंट वाई में कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसकी मार्क डाउन की गई हो, तो उसकी लोडिंग तो अलग से निकालनी पड़ती ना मुझे। ओके, तो मैं सीधा सीधा चला देता हूं 32,770 पर, 32,770 पर मैं चला देता हूं जी। क्या चला देता हूं जी? फॉर्मूला लगाओ जी, फॉर्मूला लगाओ जी। 32,770 इंटू 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33। 32,770 इंटू 33.33 पूरा लिखना बेटे कैलकुलेटर पे, लास्ट तक लिखना, डिवाइडेड बाई 133.33। सीधा 25% भी कर सकते हैं कुछ लोग, उनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। तो 8,193, 8,193 रुपए की आ गई जी स्टॉक रिजर्व। बेटे 184.5 आपने 33/133 कर दिया होगा शायद, धनबाद। पूरी फिगर लेनी है, 3333333 पूरा लेना बेटे, ध्यान रखना, यही डिफरेंस आता है आंसर में। उनका आया 8,184, उन्होंने सिर्फ यहाँ तक 2 ही डिजिट लिखी होंगी, इसीलिए मैं कहता हूँ कैलकुलेटर पे पूरी फिगर लेनी है। तो 8,193 रुपए स्टॉक रिजर्व आ गई जी इनकी, 8,193 रुपए स्टॉक रिजर्व आ गई जी। अब जब ये आ गई तो इसका जीपी भी निकाल दो फिर साथ साथ। लो जी, 54,000 प्लस 8,000 तो 62,000 हो गए ना। और सर मुझे दूसरी साइड ले आओ प्लीज, 62,000 में से घटा दो, 62,000 में से घटा दो बेटे, 510, 900 और फिर 800 और फिर 80, 8,193। तो आ गया जी 51,517, ये आ गया बेटे जीपी। बोलो वाई ओके? अगर आपका वाई ओके हो गया है तो, वाई में कोई डाउट हो तो बेटे भेजो, वरना सीधा सीधा लिखो वाई ओके। सॉल्यूशन पे जाना मत, क्योंकि सॉल्यूशन मैंने तुम्हें वो दे रखा है जो सॉल्यूशन भेजने वाले कोई नहीं पता उसने क्या बना दिया, कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन। सजेस्टेड आंसर हमने सिंपलीफाई किया है बेटे क्वेश्चंस को। चलिए वाई ओके आ गया है। अब आते हैं जी आगे, बात कर रहे हैं अब जेड की। अब जेड की सुन लो। अब जेड के यहाँ पर देखो, क्या जेड के यहाँ पर कोई मार्कडाउन हुआ था ड्यूरिंग द ईयर? हाँ जी हुआ था जी, करंट ईयर में भी मार्कडाउन हुआ था। तो अब ये चेक करो कि कहीं इस मार्कडाउन स्टॉक में से कुछ पार्ट ईयर एंड पर रह गया क्या? अगर रह गया तो उतने वाले पार्ट की लोडिंग अलग से करनी पड़ेगी। हाँ जी अभी वैसे पढ़ा था पर मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ जस्ट फॉर सेटिस्फेक्शन। हाँ भाई, एट द ईयर एंड देयर वर सम आइटम्स इन द स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट जेड विच हैड बीन मार्क डाउन टू 2300। 2300 वाले जिनकी घटी हुई वैल्यू 2300 है। अच्छा ओके, तो चलिए जी शुरू हो जाते हैं। इस स्टॉक की वैल्यू देखो कितने की है, अब डिपार्टमेंट जेड की बात कर रहे हैं, अब हम स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन डिपार्टमेंट जेड स्टॉक। कितने का स्टॉक है जी इसका डिपार्टमेंट जेड का? 53,950। अब इस 53,950 को अगर मैं देखूं तो इसमें दोनों वाले स्टॉक शामिल हैं, वो भी जो घटी हुई वैल्यू है जिसकी मार्किंग अलग अलग तरीके से मार्कअप, और वो भी जो एक नॉर्मल मार्कअप का है। तो मैं एक काम करता हूँ, 53,950 जो है ना ये क्या है, ये है टोटल स्टॉक डिपार्टमेंट जेड का। टोटल स्टॉक सर एग्जाम में भी हम ऐसे कर सकते हैं जैसे आप करके दिखा रहे हो? बिल्कुल बेटे, तो ये क्वेश्चन तो आना ही नहीं चाहिए, हम कर ही रहे हैं क्लास में वैसे जैसे एग्जाम में करके आना है। इस स्टॉक के दो पार्ट, एक तो है जी नॉर्मल मार्कअप वाला, नॉर्मल मार्क्ड अप, और दूसरा है एबनॉर्मल, या मैं कह सकता हूं अदर देन नॉर्मल मार्कअप, या इसको ऐसे कह सकते हैं मार्क डाउन ड्यूरिंग द ईयर, मार्क डाउन ड्यूरिंग द ईयर। और 53,950 के अंदर जुड़े हुए हैं वैल्यू कितनी, 2300 रुपए की वैल्यू है जो जुड़ी हुई है, और उस पर स्टॉक रिजर्व हमने कैलकुलेट कर ली थी। आप चाहो तो बेटे दोबारा से निकाल सकते हो, यहाँ पर 64,000, 27,400 के अंदर जुड़ी हुई है, तो 2300 के अंदर याद है 537 कुछ करके आपने निकाली थी, यही तो निकाली थी। हाँ 2300 के अंदर 537 रुपए इसकी स्टॉक रिजर्व तो जी ये रही, हमने पहले ही निकाल ली थी, इसमें मेहनत कर ली थी, वर्किंग नोट नंबर 1 पे की थी हमने शायद। अगर 2300 रुपए की स्टॉक की वैल्यू का हिसाब किताब हो गया तो बाकी की वैल्यू कितनी है भाई? 53,950 में से घटा दो 2300 रुपए की अमाउंट, तो आ गई जी बाकी वाले स्टॉक की अमाउंट 53,950 माइनस 53,950 माइनस 2300, 51,650। अब इस 51,650 के अंदर तो नॉर्मल तरीके से लोडिंग है ना, तो मैं इसकी स्टॉक रिजर्व आपसे पूछ रहा हूं, देखिए कौन सा सेंटर मुझे सबसे पहले बताएगा। याद है वो 33/133 वाली कुछ बात थी, देखिए कौन सा सेंटर सुपरस्टार सेंटर है, कौन सा सेंटर है जो सुपरस्टार सेंटर है, जो बताएगा सबसे पहले। एक बच्चे ने बताया है जी 25,825, 25,825 बताया है, ओके। ये कैसे आ गया? पटना ने भी कुछ बताया है, धनबाद ने कहा 25,825, जरा चेक करो बेटे कैसे आया। बाकी सेंटर भी तो जवाब दो भाई। 51,650 समझ गया उन्होंने क्या किया। इंटू 50/150, ये घर वो वाला है जहां 50 का है। तो सीधा सीधा 50% निकाल दिया बेटे। अच्छा ये 150 है बेटा, आपने सीधा 50% कर दिया, 50/100 नहीं, ये इनवॉइस प्राइस है ना बेटा, तो ये तो 150 के बराबर है, तो 150 के अंदर 50 हमें ढूंढना है। हाँ जी, कितना है जी? 17,217 बिल्कुल सही आंसर है। फिर से पटना सुपरस्टार बना 17,217। भाई पटना वाले गजब कर रखा है आपने, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। सबसे पहले पटना से तो इस बार एक बच्ची के 85 मार्क्स भी थे, इसी बार अपनी क्लास से अकाउंट्स में। चलिए जी, तो 17,217 तो ये हो गया और 537 ये हो गया। बेटे टोटल स्टॉक रिजर्व बता सकते हैं हम? टोटल स्टॉक रिजर्व +17,217 17,754 रुपए। वेरी गुड, बस इसी को लिख देना वहां पे, 17,754 रुपए। चलिए जी, फटाफट से निकालें। 18,000 प्लस 95,000 प्लस 1,350, 1,14,350 रुपये। घटाओ जी, 4,100 17,754, ये आ गया जी 92,496 जी। वेरी गुड, धन्यवाद, शाबाश। तो भाई यहां तक सब ओके है? बोलो क्वेश्चन 14 ओके। सेम आंसर कैन बी अचीव्ड, कैन बी फाइंड बाई, सेम आंसर कैन बी फाउंड बाई फाइनल अकाउंट मेथड। आपको बेटे सॉल्यूशन दे रखा है। सीधे 50% कब लगाते हैं? जब सेल का 50% होता है, जब सेल का 50% होता है, ना कि कोस्ट का। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, वाराणसी कह रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 3 दिखा दीजिए। लो जी, वर्किंग नोट नंबर 3 देखिए बेटा, और बाकी बच्चे करना शुरू करें क्वेश्चन नंबर 15 को। अब मजा आएगा, अब तो कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाई देगा बच्चे को। सारे बच्चे क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि अब बच्चों को आइडिया मिल चुका है, तो अब बच्चे क्या कर सकते हैं? जल्दी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हो गया वाराणसी? आपने कहा था थर्ड को दिखा दीजिए, डन, यस, बताया करो बस साथ साथ, है ना। आओ जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नाम क्या है इसका? हेलो लिमिटेड। मुझे दूसरी साइड ले आना सर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर पहले सबसे लास्ट लाइन पढ़ो। क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला कि आप एक डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट बना करके दिखा दो। बेटे वो फाइनल अकाउंट मेथड से कराना चाहता है, साथ में मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बना दो, मेमोरेंडम मार्कअप बना दो। ये लो जी। चलिए जी, कोई बात नहीं, हम एक काम कर लेते हैं, हम दोनों से कर देते हैं क्वेश्चन को सोल्व। एक तो हमने यहाँ पर दे दिया जी फाइनल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग, उसने मांगा डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट। लो जी, इसको ट्रेडिंग की शक्ल में भी दे देंगे, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान रहे फाइनल अकाउंट मेथड से भी और उससे भी आंसर सेम आता है। आप देख सकते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन को, जो मैंने आपको बुक में दे रखा है। वो आपके लिए होमवर्क है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट और क्या जी, इसी के अंदर दोनों चीजें, एक है जी डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट। यहाँ पे तो कमाल की बात है, एक ही डिपार्टमेंट की बात बताई हुई है। चलिए जी, डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट और इसी का है जी यहां पर मार्कअप अकाउंट। मार्कअप अकाउंट यहाँ पे कौन रहता है, यहाँ पर लोडिंग रहती है, ये लोडिंग का घर है। यहाँ पे कौन रहता है, यहाँ पर इनवॉइस प्राइस रहता है, ये इनवॉइस प्राइस का घर है। चलिए जी करते हैं बात शुरू, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, करते जाओ, पढ़ते जाओ, करते जाओ। हेलो लिमिटेड इज ए रिटेल ऑर्गेनाइजेशन विद सेवरल डिपार्टमेंट्स। हेलो लिमिटेड एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। चलिए मैं जूम कर लेता हूं एक बार। क्वेश्चन को आओ मेरे साथ साथ पढ़ो। उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। गुड्स सप्लाई टू ईच डिपार्टमेंट आर डेबिटेड। ये बेटे आपको समझ लो क्वेश्चन में कुछ लाइनें एक्स्ट्रा मिलती हैं हमेशा। क्या मतलब सर, हमारा 10 लाइन का क्वेश्चन अगर है तो 3 से लेकर 4 लाइन उसमें फालतू लिखी होती है। फालतू मतलब कि जिनका हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बनाने में कोई यूज नहीं होता, वो सिर्फ पढ़ने के लिए होती हैं। बाकी की 7 लाइनें जो काम की होती हैं, 3 लाइनें ऐसी होती हैं जहां पर वो हमारा टाइम वेस्ट कराना चाहता है दोबारा पढ़ने के लिए। तो बेटे ऐसी लाइनों को एक बार पढ़ लिया बस, दोबारा नहीं देखो, टाइम बचेगा। क्या कहता है, हेलो लिमिटेड रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है, किस काम की बात है। चलो जी अच्छा, कह रहे हैं जब भी कोई डिपार्टमेंट में गुड्स भेजते हैं ना तो हम उसके स्टॉक अकाउंट को डेबिट करते हैं। हाँ तो भाई ये तो हम सीख के आए ना, इसीलिए तो हम कोचिंग में गए थे। स्टॉक अकाउंट एट कॉस्ट प्लस मार्कअप, हम कॉस्ट और मार्कअप दोनों को जोड़ करके नॉर्मल सेलिंग प्राइस दैट इज इनवॉइस प्राइस में डेबिट करते हैं। और मार्कअप जो है हम उसको अलग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में। और कोई भी रिडक्शन आ जाए ना अगर हमारे उसमें, तो हम उसमें फिर वापस से उसको रिक्वायर कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं मार्कअप अकाउंट में। और मार्कअप द मार्कअप फॉर डिपार्टमेंट ए, यहां से काम की बात शुरू है बेटे। मतलब इतनी सारी लाइनें, 4 लाइनें आपकी फालतू की लाइनें थी। इसमें आपको ये बताया गया था कि भाई आपको मार्कअप अकाउंट मेथड में कैसे कैसे अकाउंटिंग करनी होती है। वो तो हम कर ही रहे हैं जब हमें मार्कअप मेथड पढ़ रखा है। तो काम की बात अब शुरू हुआ। क्वेश्चन इस रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहते हैं कि देखो जी मार्कअप जो है डिपार्टमेंट ए के यहाँ पर होता है 40%, और डिपार्टमेंट ए की बात आपको यहाँ पर बता रखी है। डिपार्टमेंट ए के यहाँ पर जो स्टॉक है, सर ये पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर की अकाउंटिंग नहीं करा रहा ना बेटे, पूरे उसमें से एक डिपार्टमेंट, जैसे इजी डे है या कोई भी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई भी मेगा मॉल वगैरह, विशाल मेगा मॉल वगैरह है, आप जाते हो वहां पर तो आप किसी एक फ्लोर पे चढ़ गए ना, हाँ तो वो सारे फ्लोर की अकाउंटिंग नहीं कर रहा इस वाले क्वेश्चन में। वो सिर्फ उसी फ्लोर की अकाउंटिंग कर रहा है जिसमें तुम बैठे हो इस टाइम पे। कह रहे उसका ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट इतने रुपए की थी, तो ठीक है हम इसमें मार्कअप ऐड कर लेंगे प्लस 40%। ठीक है 8×32, हम उसपे क्या कर लेंगे, हम देख लिया हमने कि इनवॉइस प्राइस कितने का था, 8×32 यानी कि 1 लाख 8 और 3, 8×32, 3 और 8 11, 1,12,000 का था इसका मतलब। चलो जी परचेज किया उसके लिए, तो ठीक है फिर से हमने उस पर जोड़ दिया 40%, 18×72, तो जोड़ोगे 72, 7 और 8 15, 2,52,000 रुपए यानी उसका इनवॉइस प्राइस था। बेटे देखो क्वेश्चन अपने आप सोल्यूशन बताता जा रहा है। कह रहा है उस वाले डिपार्टमेंट ने सेल कर दी, कितने की कर दी जी, उसने डिपार्टमेंट ने सेल कर दी 3,20,000 की सेल कर दी। अच्छी बात है, उधार में करी चाहे नकद में करी कोई बात नहीं, की तो सेल ही है ना। तो यहां तक का पैराग्राफ देखो कितना आसान है। अब क्वेश्चन बन गया बहुत छोटा, 1 2 3। कह रहे इन 3 की बात सुन लो। क्या बताओ जी कि गुड्स जो परचेज किया गया था इन द पीरियड वर मार्क डाउन बाई 1400 फ्रॉम एक कोस्ट ऑफ रुपीज 16,000। कह रहे एक गुड्स ऐसा था जिसकी कोस्ट थी 16,000 और उसको 1,400 रुपए से मार्क डाउन कर दिया गया ध्यान रहे इन द पीरियड, मतलब बेटे करंट ईयर की बात कर रहा है। करंट ईयर में जो माल खरीदा ये 180 इसका हिस्सा बता रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना कि इसी का एक हिस्सा जिसकी कॉस्ट थी 16,000। अब अपने आप हिसाब लगा लो 40% जोड़ करके उसका नॉर्मल मार्केट प्राइस कितना रहा होगा। 16,000 का 40% अगर जोड़ें 16 चौका 64 यानी कि 22,400 रहा होगा नॉर्मल मार्केट प्राइस। कह रहे उसमें से 1,400 रुपये घटा दो, घटा दिया जी, तो 22,400 में से हमने 1,400 घटा दिए जी, कितने बचे 21,000 है ना। 22,400 में से अगर मैं घटा दूं 1,400, यस 21,000 बच गए। यानी 16,000 की कॉस्ट और 21,000 की मार्केट प्राइस यानी कि 5,000 की लोडिंग इसकी अलग से होगी। अब ये सारा का सारा अगर बच जाए 21,000 का 21,000 तो इसकी लोडिंग यानी इसका स्टॉक रिजर्व अलग से होगा 5,000 रुपए का। लेकिन हुआ क्या, कह रहे ये जो मार्क डाउन स्टॉक है ना, हाँ, उसमें से सारा का सारा 16,000 नहीं, सिर्फ 4,000 की कॉस्ट वाला मार्कडाउन स्टॉक। बेटे इस बार मार्कडाउन वैल्यू नहीं बताई है, जैसे 2300 बताई थी, यहाँ पर उसकी कॉस्ट बता दी। ओ 4,000 की कॉस्ट वाला माल जिसको मार्कडाउन किया गया था वो रह गया ईयर एंड पे। अच्छा तो थोड़ा ध्यान से करना है। 4,000 की कॉस्ट में अगर मैं देखूं तो बेटे हमें उसका हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। चलिए एक ही बार लगाएंगे। स्टॉक शॉर्टेज एट द ईयर एंड जिसकी कॉस्ट है 1,200 रुपए, टू बी रिटन ऑफ। क्या कहा बेटे, 1,200 रुपए की कॉस्ट का माल ऐसा था जो एबनॉर्मल लॉस हो गया। ओहो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। तो आप सबको पता है कि एबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट करना है। यहाँ पर डिपार्टमेंट स्टॉक से पूरा इनवॉइस प्राइस हट जाएगा जो 1,200 में 40% जोड़ कर आएगा 12 चौक 48, 480 यानी बेटे 1,680। क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो कि क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन बनाने लगो तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल ना पड़े। बस उतना पढ़ते चल जाएं क्या उठा के क्या रखना है। 3 बार क्वेश्चन पढ़ते हैं हम एग्जाम में, पता है 3 बार, और 3 के 3 बार ऐसे पढ़ते हैं बस भागो 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 भागो। एक बार पढ़ो ना, टाइम लगा लो पढ़ने पे। 4,800 देखो कितना, 1,200, 12 चौक 48, 480 जोड़ दिया, 1,680 का इनवॉइस प्राइस है। हम डिपार्टमेंट स्टॉक से हटाएंगे 1,680 और कोरस्पॉन्डिंगली स्टॉक रिजर्व सॉरी लोडिंग हम हटाएंगे मार्कअप अकाउंट से 480। अब क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं जी। सर क्लोजिंग स्टॉक ना ना ना, ये तो ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहा है। ये जो ओपनिंग स्टॉक है जिसकी कॉस्ट है 80,000, जिस पर हमने 40 का मार्कअप कह दिया, कह रहे हैं इसमें से 8200 की कॉस्ट का माल ऐसा है जिसको करंट ईयर में हमने बेच दिया। लेकिन सुनो उसमें आप नॉर्मल 40% मत जोड़ना। आपने तो जोड़ दिया हाँ, कि ये ना 740 रुपए से कम कर रखा था हमने पिछले साल। अच्छा तो अगर 40% नॉर्मल जोड़ते तो 1,12 बनता। हाँ इसको घटा दो, कितना घटा दो, 740 घटा रखा था, और तब जाकर ये सही वैल्यू जो आ रही थी ब्रांच स्टॉक सॉरी डिपार्टमेंट स्टॉक में वो ये थी 1,11,260 रुपए। तो अगर मैं देखूं 80 और 1,11,260 की दूरी, दैट विल बी कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 31,260 रुपए। क्वेश्चन को ऐसी तसल्ली से पढ़ो बेटे कि क्वेश्चन आपके पूरे कंट्रोल में रहे, आपके इशारों पे नाचे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट एंड सो ऑन। लो जी कर लेंगे जी, शुरू हो जाओ फटाफट से। चलिए जी डिपार्टमेंट स्टॉक और मार्कअप अकाउंट। जिसने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा वो फटाफट से उसको सॉल्व करेगा। चलो जी सॉल्व करो जी सारे बच्चे। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है कितने का, ओपनिंग स्टॉक है 80,000 की कॉस्ट का, और जिस पर लोडिंग है मतलब बेटे मार्कअप है 40%। 80,000 का 40% कितना होता है 32,000, 1,12,000। यानी इस पर स्टॉक रिजर्व अगर मैं देखूं $32,000 की है, लेकिन इसी को हमने मार्कडाउन भी कर रखा है कितने का, 740 रुपए का, टू ब्रोड डाउन 740। हम इसको प्रेजेंट करने के लिए दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं, हम उस 740 को यहाँ 1,12,000 से माइनस कर दें और इधर 32,000 में से माइनस कर दे 740 को। जैसे मन करे बेटे वैसे प्रेजेंटेशन कर लेना, आपकी अपना स्टाइल होता है प्रेजेंटेशन, कोई उसको छेड़ नहीं सकता। तो मैंने माना कि बच्चों ने यहां तक नोट कर लिया, इनको इतनी बात समझ में आ गई है। अगला पॉइंट, परचेज किया जी करंट ईयर में माल, टू परचेज जिसकी कॉस्ट है और उस पर जो मार्कअप है, और वही मार्कअप यहाँ पे आएगा बाय डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट। परचेज कितने रुपए की है जी, परचेज कितने रुपए की है, कितने रुपए की है जी कॉस्ट, 1,80,000 रुपए की है जी, और इस पर 40% का मार्कअप 72,000 रुपए, 72,000, 2,52,000 रुपए, और यही यहां पर आ गया जी 72,000, 72,000। नेक्स्ट, 3,20,000 की है जी सेल है, 3,20,000 की सेल है, बाई सेल्स 3,20,000 रुपए, ₹3,20,000 की है सेल। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट है बेटे लिख के भेजो सेल्स पे। गुड्स जो परचेज किए गए थे उनको मार्कडाउन किया गया करंट ईयर के दौरान 1,400 रुपए बाई मार्क अप अकाउंट, 1,400 रुपए टू डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट। ₹1,400 बात आगे बढ़ी। अब कह रहे इसमें से कुछ माल ऐसा था जो कि क्लोजिंग स्टॉक में था और मार्कडाउन वाला माल जिसकी 4,000 रुपए की कॉस्ट थी वो अभी भी बचा हुआ है। चलिए इसको भी करेंगे, पहले क्लोजिंग स्टॉक में पहुंच जाए। हम ओवरऑल स्टॉक को छांट लेंगे, उसके दो पार्ट कर लेंगे, नॉर्मल वाला और एबनॉर्मल वाला, ठीक है। चलिए, एबनॉर्मल लॉस बाई एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितने का है जी बच्चों, 1,200 की कॉस्ट वाला, 1,200 की कॉस्ट वाला, और इधर मार्कअप 40%, 480, 1,680 रुपए का। अब बेटे इसके अंदर मार्कअप अकाउंट की बात भी होगी, टू एबनॉर्मल लॉस भाई 480 रुपए। तो जी यहां तक तो बात डन है जी, यहां तक कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए जी। अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटे लिख के भेजो, वरना मैं मानूंगा कि सारे बच्चों की बात एकदम ओके है यहां तक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं जी। स्टॉक जो ओपनिंग वाला है उसके अंदर 740 रुपए मार्कडाउन, वो तो हमने कर लिया जी। अब तो बस एक ही पॉइंट बचा कि क्लोजिंग स्टॉक में से छांट लेना 4,000 रुपये की कॉस्ट वाला माल जिस पे अनलोडिंग करनी है, जिसमें स्टॉक रिजर्व है, वो निकालनी है जी। ठीक है, शुरू करें बच्चों। ठीक है जी, 32,000 बेटे निकालो फटाफट, जीपी बताओ। हाँ जी निकालो बेटे स्टॉक रिजर्व। बस एक छोटा सा पॉइंट है, मैं रुक गया। अब आपको पहले मौका देता हूं कि आप मुझे पहले बताएंगे क्लोजिंग स्टॉक कितने का, और फिर बताएंगे मुझे स्टॉक रिजर्व कितने की। जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसी पे बेटे स्टॉक रिजर्व निकलेगी और बाकी बन जाएगा अपना जीपी। रुक गया जी, रुक गया मैं। कोई बताएगा मुझे कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है बेटे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर? हम क्यों बताएं, फीस आपको दी है। और धनबाद से जवाब आ भी गया, वो कह रहे हैं 13,920। अच्छा बेटे, नहीं बेटे 40,180 है ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, और इसी के ऊपर हमें निकालना है जी स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व, हाँ बिल्कुल। अब 40,180 पे आपने निकाल तो नहीं दिया सीधा, 40/140 11,480। नहीं, ध्यान से बेटे, इसके अंदर दो तरह के गुड्स होंगे, एक तो नॉर्मल लोडिंग वाला और एक एबनॉर्मल लोडिंग वाला। सीधी सी बात है। अब इसके लिए छांटना पड़ेगा आपको पहले क्या, कि जो 40,180 है इस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हमें रिजर्व छांटो जी। आओ वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1 स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 40,180 का है जी, और इसके दो पार्ट हैं जी। एक तो है जी नॉर्मल मार्कअप वाला, और दूसरा है जो मार्क डाउन वाला है। अब देखो सर, मुझे स्क्रीन के दूसरी साइड ले आओ प्लीज। जो मार्क डाउन वाला है उसमें देखो जी, उसकी कॉस्ट कितने की है? 4,000 की। उस पर अगर हम नॉर्मल मार्कअप करते, नॉर्मल मार्कअप करते, अगर हम उस पर नॉर्मल मार्कअप करते तो 40% का होता जी। 1,600 रुपये होते और वो 5,600 रुपये का दिख रहा होता जी। लेकिन जो मार्क डाउन किया गया, मार्क डाउन, अब इसमें मार्क डाउन देख लो जी कितने रुपए का इसको मार्क डाउन किया गया, तो बाकी निकल जाएगी इसकी आफ्टर मार्किंग डाउन, यानी कि मार्क्ड डाउन वैल्यू। मार्क्ड डाउन वैल्यू कितने रुपए की मार्क डाउन वैल्यू है? वो कह रहे हैं एबनॉर्मल लॉस बेटे 1,200 है वो, वाराणसी 1,200 की कोस्ट है, उस पर 40% कर लो सीधा 480। उसमें क्या बता दूं मैं आपको, एबनॉर्मल लॉस जो है वो 40% ही तो है, उस पर लोडिंग 1,200 की कोस्ट का है बेटे। हाँ जी ठीक है, वाराणसी 1200 की कोस्ट है वो जिसकी आप बात कर रहे हो। चलिए हो गया, तो इधर आओ जी वापस, ध्यान से जरा ध्यान देना, कितने रुपए इसमें से घटे हुए हैं ये देखना है हमें, तो हमने इसका हिसाब किताब लगाना है अलग से। कैसे ये बताओ, जो माल था वो टोटल कितने रुपए की कोस्ट का था? वो था जी 16,000 रुपए की कोस्ट का, और 16,000 रुपए की कोस्ट पे अगर वो नॉर्मल, अच्छा 16,000 रुपए की कोस्ट पे जो मार्कडाउन किया गया वो कितने रुपए किया गया? कितना? 1400 रुपए। अगर टोटल माल था 16,000 की कोस्ट का, तो जी टोटल इस पर मार्कडाउन कितना किया गया था? वो किया गया था जी 1400 रुपए का। तो अगर वो माल है कितने की कोस्ट का? 4,000 रुपए की कोस्ट का। अगर वो माल है 4,000 रुपए की कोस्ट का, तो इसके हिस्से में मार्कडाउन कितना आया? वेरी गुड वाराणसी, ये हुई ना बात। धन्यवाद बेटे। 490 कैसे? ये देखो, ये सीधा सीधा निकल जाएगा हिसाब किताब। क्या 1400 रुपए मार्कडाउन आता है 16,000 रुपए की कोस्ट के हिस्से में। अब क्वेश्चन है में मार्कडाउन वैल्यू तो बताई नहीं, क्वेश्चन है में मार्कडाउन वैल्यू तो बताई नहीं, क्वेश्चन है में बता दी कोस्ट, तो हमने उसी के हिसाब से बात कर ली। तो हमने कोस्ट में खेल लिया, 16 की कोस्ट पर के हिस्से में 1400 का मार्कडाउन, तो 4000 की कोस्ट के हिस्से में कितना, वही हमने निकाल दिया जी। कितना? 350 का मार्कडाउन। हाँ जी बेटे, पटना 1250 ऑन 4000, ये कैसे बेटे? 1250 ऑन 4000 कैसे निकालो? 1400 इंटू 4000 डिवाइडेड बाई 16000, 350। बोलो बेटे पटना ओके? 350 ओके है कि नहीं पटना? अच्छा धन्यवाद, आपका भी आ गया ना, वेरी गुड। तो 350 रुपए इसमें कम कर रखे हैं। चार सर दूसरी साइड ले आओ प्लीज। 350 इसमें कम कर रखे होंगे, तो 350 अगर इसमें कम कर रखे हैं तो वैल्यू कितने की बची जी? 5250 की वैल्यू बची। हाँ जी 40,180 में से घटाओ, 40,180 माइनस 5250, या क्या जी 34,930। 40,180 में से हिसाब हो गया है 5250 जो घटी हुई वैल्यू। ध्यान रहे 2 पॉइंट में बच्चों को डाउट आ सकता है, वो मेरी 2 लाइनें पहले सुन लो। ये जो 40,180 है इसमें दोनों वैल्यू शामिल है, ये तो स्टॉक की वैल्यू है। अगर घटा चुके थे तो घटाने के बाद कितना था, है ना, ये वो वाली वैल्यू है। तो इसमें से हमने घटी हुई वैल्यू, जितने रुपए का स्टॉक बचा था, जितने की वैल्यू का बचा था जो इसके अंदर जुड़ी हुई है, हमने वो हटा दी, तो निकल आई बाकी की वैल्यू 34,930 रुपए। अब इस 34,930 पर तो नॉर्मल तरीके से मार्कअप होगा ना बेटा, तो इसकी स्टॉक रिजर्व अलग निकालो और इसकी स्टॉक रिजर्व अलग। लो भाई, मैं इसी के नीचे इसकी स्टॉक रिजर्व निकाल रहा हूं और उधर मैं इसकी स्टॉक रिजर्व निकाल रहा हूं। सीधी सीधी बात, कोस्ट से लेकर के वैल्यू जो जितनी शो कर रहे हैं उन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो स्टॉक रिजर्व है। तो ये आ गया जी 1250 का स्टॉक रिजर्व, तो इसका आ गया जी। सीधी सी बात है, इधर 34,930 इंटू कितने का मार्कअप का हिसाब किताब है भाई इनका? इस वाले क्वेश्चन में कितने का था? 40 है ना, तो 40% ऑफ कोस्ट, यानी कि 40/140, क्योंकि ये 140 के बराबर है, इनवॉइस वैल्यू है ना, इंटू 40/140, 9,980 रुपए। अगर मैं बात करूं कि टोटल स्टॉक पर कितने रुपए की स्टॉक रिजर्व है, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा जी, और ये आ जाएगी टोटल स्टॉक रिजर्व 9980 प्लस 1250 इज इक्वल टू 11,230 रुपए। 11,230 रुपए की है स्टॉक रिजर्व, टोटल स्टॉक रिजर्व 11,230 रुपए। बेटे यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ जल्दी से, वरना लिख के भेजो। अच्छा 1250 समझ में नहीं आया, धन्यवाद। अच्छा जी, बाकी बच्चे प्लीज एक बार सेस पे बताओ जल्दी से, कहीं दिक्कत है क्या? धन्यवाद जी, 350 समझ में आ गया है, तो फिर ये 1250 भी समझ में आ जाएगा। कोस्ट है 4000 की उस माल की जिसकी वैल्यू डाउन की गई है, लेकिन वैल्यू डाउन करने के बाद उसकी वैल्यू कितने रुपए की है? 5250। तो कोस्ट से ऊपर जो है वही तो स्टॉक रिजर्व है बेटे। 5250 में से घटा दो 4000, तो आपकी ये बात आ जाएगी 1250 रुपए इसकी स्टॉक रिजर्व है जी। बोलो जी, धन्यवाद जी। अगर 350 रुपए बेटे आपको समझ में आ गई ना, क्योंकि आपने बोला था सेस पे कि यह 350, अब 350 आपने लिखा था 350 सर, मतलब आपको क्लियर हो गया था। अगर 350 क्लियर है तो फिर तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताओ धनबाद, 350 क्लियर है कि नहीं? उसी की वजह से दिक्कत आ सकती है। और 1250 अब क्लियर है या नहीं, मुझे पहले इतनी बात बताओ। सर मुझे हटा देना स्क्रीन से। अच्छा, धनबाद को अभी समझ में नहीं आया। आइए जी धनबाद, मैं दोबारा से बताता हूं। चलो दोबारा से लेते हैं, ठीक है धनबाद। सारी बातें इधर उधर छोड़ के इधर ध्यान दो, जो मैं अब यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और बाकी बच्चे भी इधर ध्यान देंगे। हो सकता है कोई नया तरीका उनके हाथ लग जाए। बल्कि और जूम कर लेता हूँ, ये ऊपर वाली चीज नहीं दिखनी चाहिए। कोस्ट है 16,000, तो उस पर नॉर्मल मार्कअप कितना था? नॉर्मल मार्कअप कितना था बेटे? 40%, 6400 है ना, तो 22,400 रुपये उसकी नॉर्मल वैल्यू थी, लेकिन इसको घटा दिया गया बेटे, मार्क डाउन कर दिया गया बेटा 1400 रुपए से, है ना। तो बेटा ये देखो कितना, कितने की वैल्यू बच गई है? 21,000 रुपए की। दिस इज कॉल्ड मार्क डाउन वैल्यू। अगर ये सारा का सारा स्टॉक क्लोजिंग में होता, पटना में उसी तरीके से बताने वाला हूं जो आपने लिखा है सेस पे, अगर ये सारा स्टॉक ईयर एंड पर मिलता हमें, तो पता है क्या हो रहा था बेटे? हम डिपार्टमेंट स्टॉक में लिख रहे होते क्लोजिंग स्टॉक 21,000, और यहां पर हम मार्कअप अकाउंट में लिख रहे होते स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व 16 और 21 की दूरी 5000 हम लिख रहे होते अगर सारा बचता तो। लेकिन जो बचा है ना, पिछले क्वेश्चन में हमें 21,000 के बराबर 2300 बता रखी थी अमाउंट, इस वाले क्वेश्चन में हमें 16,000 के बराबर बता रखी है 4000। तो मैंने कहा भाई 4000 का हिसाब किताब लगा लेते हैं फिर, अगर ऐसी बात है। 4000 के स्टॉक पर नॉर्मल मार्कअप होता तो बेटे 1600 रुपए जुड़ रहे होते, है ना, तो ये 5600 रुपए होते बेटे। अब 5600 रुपए में से कितने रुपए घटाए गए ये तो हमें बताया नहीं क्वेश्चन ने, तो हमने हिसाब लगाया। क्या हिसाब लगाया? कि जब 16 की कोस्ट पर घटाना होता है तो 1400 घटाते हैं, तो 4000 की कोस्ट पर कितना हिस्सा आया घटने का, क्योंकि इसी का एक पार्ट तो है ना ये, बाकी का गुड्स तो बिक गया लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में 4000 की कोस्ट का माल रह गया। तो मैंने कहा 1400 तुम तो 16000 के हिस्से में आए, तो तुम्हारे अंदर से जब 4000 निकलेंगे तो 4000 के हिस्से में कितनी घटावट आएगी, वो आई बेटे 350। तो तुमने कहा कि इन 4000 पर घटाए गए थे 350, बाकी तो बिक कर चले गए, तो वैल्यू कितनी बच गई है 5250 बच गई। तो अब तुम अगर डिपार्टमेंट स्टॉक में लिखना चाहोगे इस वाले स्टॉक को, तो आप पता है बेटे क्लोजिंग स्टॉक कितना लिख रहे होंगे बच्चों, आप लिख रहे होंगे 5250, और इसी की स्टॉक रिजर्व अगर आपको लिखनी होगी मार्कअप अकाउंट में, तो आप कितना लिख रहे होगे इसको बेटा, इन दोनों की जो दूरी है 1250, और वही मैंने निकाल के दिखाई आपको। मुझे बस इतनी बात बता दो कि ये बात अब समझ में आ गई है कि नहीं, बोलो जी धन्यवाद जी, बोलो बेटे धन्यवाद, आपका डाउट था आपका बताना बनता है। चलिए जी धनबाद का डाउट ओके है। मैं वापस से आ रहा हूं इस वाले वर्किंग नोट पर, और मुझे बता दो जल्दी से किस किस बच्चे का कोई डाउट है क्या, वरना बोलो क्लियर, ताकि मैं समझ जाऊं कि क्वेश्चन में अब कोई डाउट नहीं है, अब हम क्लास को ओवर कर सकते हैं। बेटे सेस पे लिखो क्लियर। हमारा चैप्टर तो खत्म हो गया डिपार्टमेंट वाला। सर मुझे भी ले आओ सेस पे। धनबाद का क्लियर है, मतलब परमिशन है कि भाई क्लास हम ओवर कर सकते हैं। पटना का भी क्लियर है, लक्ष्मीनगर, वाराणसी, कहाँ रह गए तुम लोग? चलिए वो नाराज है, वो जवाब नहीं देंगे। चलिए वाराणसी का भी आ गया, लक्ष्मीनगर का भी आ गया। तो बेटे ये था डिपार्टमेंट, और आज हम लोग अपनी क्लास ओवर कर लेते हैं। फिर डिपार्टमेंट की कहानी आज तक यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को एक नए चैप्टर के साथ, पार्टनरशिप वाले चैप्टर के साथ। पार्टनरशिप मैंने यहाँ पर हेड ऑफिस में मेल कर दिए थे, तो आई होप कि मेल चली गई होगी आप सबके सेंटर पे। पार्टनरशिप हम लोग शुरू करेंगे मंडे को, और कंटिन्यू हमारी उनकी क्लास चलेगी एक हफ्ते लगभग, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर से मंडे को या ट्यूसडे को नए एंट्री पॉइंट के साथ मिलेंगे, जहां पर हम लोग कंपनी अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए प्लीज मुझे एक बार फीडबैक जरूर बताइएगा, कल आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्लास चलेगी, ठीक है। पटना कह रहे हैं, अच्छा धनबाद कह रहे कल एएस की क्लास है, हाँ जी बिल्कुल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्लास है। और प्लीज टाइमिंग मत पूछना मुझसे, क्योंकि टाइमिंग हेड ऑफिस ने और सेंटर ने आपस में मिलकर डिसाइड कर रखी होगी। हर सेंटर, हाँ एलएमएस पे होगी शायद, है ना, मुझे नहीं पता बेटे। हर सेंटर अपने अकॉर्डिंग दिखा सकता है, अपने बच्चों के अकॉर्डिंग, ताकि बच्चों को सुविधा रहे। यही तो वजह है, अदरवाइज हम लोग लाइव क्लास कर रहे होते संडे को, ठीक है। पार्टनरशिप के क्वेश्चन नहीं है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन अलग से दिए जा रहे हैं बेटे, वो मेल पर जा चुके हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके देन, सी यू, बाय बाय।